तेरा घर जगत से न्यारा। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म जिसमें हमारा जन्म हुआ, एक विज्ञान है मनुष्य में देवत्व को जागृत करने का। भारतीय संस्कृति मनुष्य के या जीव के कहिए, जीव के पूर्ण विकास का विज्ञान है। हमारे देश में यही एक बड़ा काम हुआ। हम बोलते हैं भारत महान है हमारा, तो हमारे देश में ये काम हुआ कि जीव उसकी पूर्णता कैसे प्राप्त करे। तो संसार के सारे पदार्थों में हम कोई ना कोई संस्कार कर देते हैं। हमने लोहे को काम का बनाया, लकड़ी को काम का बनाया, धूल मिट्टी को काम का बनाया, ऐसी चीजें जो प्रकृति में यहाँ वहाँ रॉ मटेरियल के रूप में बिखरी हुई थी, मिट्टी के रूप में, कचरे के रूप में, पत्थरों के बीच में बिखरी हुई थी, उनको हमने इकट्ठा किया और उनको काम का बनाया। और सारी दुनिया में ये काम हो रहा है, विज्ञान नई नई चीज़ें ला रहा है हमारे सामने। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत ने कहा कि हम जीव को परिष्कृत करेंगे, जिसके लिए ये सारी दुनिया बन रही है, जिसके लिए सारा विज्ञान बन रहा है, जिसके लिए सारी सुविधाएँ हो रही है, जिसके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं बन रही है। वो जो जीव है, वो जीव कैसा है, उसकी प्रगति हो रही है कि नहीं। तो हमने उस बात पर प्रयोग किए
और मनुष्य को उसकी जीव को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए हमने एक विज्ञान विकसित किया जिसको हम कहते हैं अध्यात्म विज्ञान। और यह अध्यात्म विज्ञान जन जन तक पहुंचे इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस बात को देखा कि सारी चीजें तो हो रही है परंतु मनुष्य की समस्याएं बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन विषैला होता चला जा रहा है, समाज में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, समाज में अनेक प्रकार की ऐसी विसंगतियां जो मनुष्य का जीना दुर्भर बना रही है, सारे विश्व में असंतुलन का वातावरण बना हुआ है, हर तरफ भय का वातावरण बना हुआ है। तो इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी मनुष्य भय मुक्त नहीं हो पाया, तनाव मुक्त नहीं हो पाया, चिंता मुक्त नहीं हो पाया। और जबकि भारत की बात हम करें तो इसमें और एक नई बात होती है कि हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी पूजा पाठ भी होती है। और जगह तो चलो वो नहीं होती, हम मान सकते हैं कि चीन, जर्मनी, जापान, बर्लिन, वहाँ कोई इतनी पूजा पाठ नहीं होती, यज्ञ वज्ञ नहीं होते, कथा भागवत नहीं होती, तो उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भैया हल्का सा इको करो यार, आवाज़ दबाव कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये चीज भी बहुत होती है, उसके बाद भी जीवन में इतनी विसंगतियां हैं तो इस पर चिंतन कौन करेगा? हम आप तो कर नहीं पाते। हमारा चिंतन सुबह से शाम तक क्या चलता है तो हम इस बात पर सोच नहीं पाते। हम व्यक्तिगत चीजों में इतना उलझे रहते हैं कि विश्व किधर जा रहा है, राष्ट्र किधर जा रहा है, समाज की परिस्थितियां क्या बन रही है, हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही है इसका कारण क्या है, कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। तो वो कारण और समाधान हमको उस युग का ऋषि बताता है। इसलिए हमारे देश में ऋषियों की बड़ी लंबी परंपरा है। आप रामचरितमानस उठाइए, भागवत कथा उठाइए, बहुत प्राचीन काल से ऋषियों का बड़ा एक हमारे यहाँ लंबी परंपरा चली आ रही है। गौतम ऋषि आए, भरद्वाज ऋषि आए, अगस्त मुनि आए, बहुत सारे ऋषि आए। रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए तो ऋषियों से जाकर मिले, तो मिलकर उन्होंने क्या किया, कुछ ज्ञान पाया, कुछ योजना बनी, कुछ शक्तियां प्राप्त की। तो ऋषि हमको उस युग का समाधान देते हैं कि आज के समय में आपको क्या करना चाहिए। तो आज के समय में ऐसे ही ऋषि का अवतरण हुआ जिनको हम युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जानते हैं, और उन्होंने कहा कि इस युग का समाधान कैसे होगा। तो समाधान कहां से लाएंगे, कहीं बाहर से लाएंगे क्या? नहीं, बाहर से नहीं लाएंगे। समाधान हमारे पास है क्योंकि हमने दुनिया को समाधान देने का ही काम किया है, त्रेता युग में, द्वापर युग में, और उसके भी पहले हजारों साल राजा दिलीप और उसके पहले राजा हरिश्चंद्र और उसके पहले भी आप चलते जाइए वैदिक काल में, हमने सारी दुनिया को समाधान दिया है कि आप अपना जीवन कैसे जिएंगे। लेकिन जब हम उस बात से दूर हटते चले गए, आज हमारे पास सब चीजें हैं, मंदिर है, पूजा पाठ है, विधियां हैं, सब है, हम पढ़े लिखे, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन का उपयोग क्या किया जाए, हमारे जीवन में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी संभावनाएं क्या है, जीवन हमको किस लिए मिला है, ये जो टीचिंग होना चाहिए, ये जो शिक्षण होना चाहिए, ये जो ज्ञान और विज्ञान हमने जानना चाहिए, उससे हम कहीं दूर हो गए। और युग ऋषि ने कहा कि उस ज्ञान और विज्ञान को फिर से आपको सीखना पड़ेगा, जो हमारे वेदों से आरंभ होता है, जो हमारे उपनिषदों तक आता है, जो हमारी गीता तक आता है, उसमें जो ज्ञान और विज्ञान जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्म का ज्ञान और विज्ञान, आज हम सनातन धर्म की मूल बातों को भूल चुके हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये घर घर पहुंचाओ आप। तो क्या क्या चीजें हैं? दो बातें, गायत्री और यज्ञ। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। आज के
इस हनुमंत जन्मोत्सव और नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ में माननीय श्याम सिंह जी विभाग प्रचारक जी हमारे बीच में पधारे हैं और काफी समय से बैठे हैं, उनके वापस निकलना है। तो ऐसी स्थिति में आग्रह है कि भाई साहब मुझे जाने की अनुमति दो, तो उनसे अनुरोध है कि दो मिनट यहाँ पधारे स्टेज पर और माता जी के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद लेवे। विठल दुपट्टा, भाई विठल गायत्री दुपट्टा लावे। और मैं आज के यज्ञाचार्य और आचार्य जी से ही निवेदन करूंगा कि पूरे राष्ट्र के लिए हमारे भाई साहब तो समर्पित ही है, तो इनका दुपट्टा उड़ा करके आप ही सम्मान करें। माल्यार्पण विठल भाई, भाई साहब का माल्यार्पण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। अब भाई साहब से अनुरोध कि हमसे अपनी दो बात। अभी पूज्य पावन महापुरुषों की स्मृति करते हुए माला पहनते नहीं महापुरुषों की दिव्य स्मृति में हम एक अति उपावन कार्य में भाग ले रहे हैं। चारों तरफ नकारात्मकता के इस वातावरण में वर्षों से गायत्री परिवार एक सकारात्मक ऊर्जा भी जो यज्ञ से होती है, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा भी जो पूज्य गुरुदेव जिन्होंने और इस युग में शायद शब्दों को लिखने वाले वो इकलौते महापुरुष होंगे जिन्होंने महर्षि व्यास के बाद इतना कुछ लिखा है कि हमको उसका लाभ मिलता रहता है। और जो कर्मकांड, कठिन कर्मकांड बाकी सब लोगों के लिए दुष्कर हो जाते हैं, यज्ञ जैसे कर्म, जनेऊ जैसे कर्म, उनको अति सरल बना करके सामान्य जन तक पहुंचाने का गायत्री परिवार ही काम करता है। एक अपनी मौन साधना बिना किसी हो हल्ले के अपने प्रकार से करने वाला ऐसा गायत्री परिवार जिसने इस देश के और जो चीज़ें नहीं दिखती है भौतिक उसके अतिरिक्त जो दिव्य चीज़ें हैं उनको कितना ही मजबूत स्ट्रोंग किया है। ऐसे गायत्री परिवार के अनेक सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको वंदन करते हुए क्षमा चाहता हूँ कि ऐसे दिव्य कार्यक्रम में पूरे समय पहले से कोई नियोजन ढंग से खुद का नहीं होने के कारण से रह नहीं पा रहा हूँ, बस वो सौभाग्य मेरा कम है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, जय सियाराम। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा, हमारे यहाँ माननीय दादाराम जी चौधरी पधारे, आपके स्वागत के लिए मैं दो मिनट लूंगा। मुझे समय भाव के कारण मैं नहीं कर पा रहा, भाई नरोत्तम से निवेदन के मोमेंटो यानी शॉल उड़ा करके दादाराम जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में दुर्गा राम जी पधारे, फोटो लो भाई। दुर्गा राम जी, रमेश जी पार्षद से अनुरोध आबरोड के आप दुर्गा राम जी का गायत्री दुपट्टा उड़ा करके स्वागत करें। भाई साहब सत्य सिंह जी, एक मिनट, आपका खुद का नहीं, सत्य सिंह से अनुरोध पधारे सर, दो मिनट, केवल दो मिनट पधारो। सत्य जी भाई साहब हम जब भी कहते हैं, जो भी काम देते हैं, अपने आप पहले से आकर के अपना समझ करके पूरा करें। तो भाई विठल से अनुरोध कि सत्य जी का दुपट्टा उड़ा करके स्वागत करें।
ठीक। हाँ भाई साहब, अब प्रमोद जी भाई साहब से अनुरोध कि गायत्री यज्ञ को आगे बढ़ा। धन्यवाद सभी अतिथियों का, यहाँ पधारे जी। निवेदन कर रहे थे कि ऋषि जो हैं वो हमको जड़ की बात बताते हैं कि कहाँ ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि मनुष्य के जीवन से वो तत्व दूर हो चुका है जो उसकी बुद्धि को पवित्र बनाता है, चिंतन को प्रखर बनाता है और मनुष्य को प्राणवान बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सुखी रहने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक तो ये चाहिए कि बुद्धि शुद्ध हो, चिंतन प्रखर हो, ठीक ढंग से हम देख सके, सोच समझ सके, और दूसरी बात यह है कि मनुष्य प्राणवान बने। प्राणवान मनुष्य विपरीतताओं में भी सन्मार्ग पर चलता रहता है। जो प्राणवान नहीं होता है, जो डरता है, वो थोड़ी सी विपरीतता आने पर अपना मार्ग बदल लेता है। और ऐसी महाविद्या हमारे पास गायत्री के रूप में है, बहुत प्राचीन काल से, बहुत प्रारंभिक काल से। इसलिए हमने इसको आदिशक्ति कहा। आदिशक्ति अर्थात जो प्रारंभिक शक्ति मनुष्य ने आत्म उत्थान के लिए प्राप्त की, इसको देव माता भी कहते हैं। क्योंकि सारे देवत्व का मूल है, जहां से देवत्व का अंकुर फूटता है, इसको हम वेद माता कहते हैं, अर्थात ज्ञान का मूल। जिन भाइयों का कोई काम नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण कर लें, यज्ञशाला में उधर घूमते न रहें। हाँ, समय का हमको उपयोग करना है। इतने भाई परिजन यहाँ आए हैं, आपने अच्छा आयोजन किया है, तो यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कर्मकांड पूजा पाठ तो होता रहता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो इसको हमने ज्ञान का बीज कहा। एक बीज से पूरा वृक्ष निकलता है, तो ज्ञान का बीज कहाँ है? आप कहीं जाएं और आपको लगे कि साहब ये पेड़ बहुत सुंदर है, इसमें अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, फल भी लगते हैं, तो फिर क्या करें? ये पेड़ हमको दे दो आप। सब पेड़ तो नहीं ले जा सकते उखाड़ के, क्या करेंगे? बोले इसका बीज ले जाओ आप, ये बीज ले जाइए, आपके घर ऐसा का ऐसा पेड़ बनेगा, इसकी शाखाएं बनेगी, पत्ते बनेंगे, फूल आएंगे, फल बनेंगे। तो हमारे पास ज्ञान का बीज है। इस बीज को यदि हम अपने अंतःकरण में बो देंगे तो ज्ञान का वृक्ष खिल जाएगा। और ज्ञान ही मूल है। जीवन में जितने भी दुख हैं, तनाव है, चिंताएं हैं, इनका सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, और इनके निवारण का सबसे बड़ा उपाय है ज्ञान। इसी आधार पर मनुष्य स्वर्ग की रचना कर सकता है और मनुष्य नरक भी बना सकता है। मनुष्य को सारी क्षमताएं दी गई। हजारों वर्षों से हमारे देश के ऋषियों ने इस पर रिसर्च किया, अनुसंधान किया, और इस धरती को, धरती पर सतयुग के अवतरण के प्रयोग हमने बार बार किए। और आज जबकि हम अपने आप को बड़ी विषम परिस्थितियों में घिरा हुआ पाते हैं, तो फिर हमको उसी के पास जाना पड़ेगा, फिर हमको वही मूल में लौटना पड़ेगा। गंगा का शुद्ध जल आपको चाहिए तो कहां मिलेगा? गंगा सागर में नहीं मिलेगा, हरिद्वार, वाराणसी, हरिद्वार में नहीं मिलेगा, ऋषिकेश में नहीं मिलेगा, आपको गंगोत्री में जाना पड़ेगा, जहां से गंगा निकलती है वहां गंगा का शुद्ध जल मिलेगा। इसी प्रकार से मूल रूप से ज्ञान, धर्म का मूल जो है वो वहीं हमको जाना पड़ेगा, वेदों में जाना पड़ेगा, और वेदों का मूल है गायत्री। वेद अर्थात ज्ञान, जो जनेऊ पहना देते हैं, शिखा रखवा देते हैं, गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर गुरु जी के साथ उसको घर से विदा कर देते हैं। ये एक हमारे यहाँ परंपरा थी। इसलिए था वो कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो, चिंतन चरित्र आचरण से श्रेष्ठ व्यक्तित्व बने, समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार, बहादुर व्यक्ति बने। इसलिए इसके जीवन में हम उस विद्या को अभी से प्रवेश करवा देते हैं, उस बीज को अभी से प्रवेश करवा देते हैं, जो इसके अंदर के देवत्व को विकसित करेगा,
वो यज्ञोपवी संस्कार, वो उपनयन संस्कार इसीलिए बनाया गया था। लेकिन आज वो लगभग लुप्त हो गया, कहीं कहीं ब्राह्मणों में होता है, वो भी लोग आते हैं हमारे पास, भाई साहब यज्ञोपवी संस्कार करना है। तो भाई लड़के की उम्र क्या है? बोले साहब 26 साल है। तो अभी क्यों करवा रहे हो? अब तो करवाने का टाइम निकल गया। बोले कल उसकी शादी होने वाली है, तो आज उसका यज्ञोपवीत कर दो। क्योंकि ये सब चीजें हैं, ये संस्कार हैं, इसके महत्व को हम भूलते चले गए। हमने बहुत सारी सुविधा अपने अंदर पैदा कर ली, सुविधाजनक ढंग से हम जीने लगे, कोई झंझट गले में नहीं डालना है हमको कि जनेऊ पहनेंगे तो शर्म आ जाएगी, चोटी रख लेंगे तो शर्म आ जाएगी, हफ्ते में एक बार धोती कुर्ता पहन लेंगे, तिलक लगा के निकलेंगे, कहीं मंदिर में जाकर अभिषेक कर लेंगे, कहीं यज्ञ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी आइडेंटिटी भी खो दी, अपनी पहचान भी खो दी। और जो कौम अपनी पहचान खो देता है या अपनी पहचान को धारण करने में जिसको शर्म आने लग जाती, लज्जा अनुभव होती है, वो कौम मिट जाती है, वो जातियां मिट जाती है जिनको अपनी पहचान को धारण करने में लज्जा आने लगती है या जो अपने मूल संस्कारों को भूल जाते हैं। तो उस ज्ञान के बीज को घर घर तक हमको पुनः पहुंचाना पड़ेगा, फिर हमको उस धर्म के मूल तत्व तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि इतनी शाखाएं प्रशाखाएं, इतने संप्रदाय, इतने पंथ, इतने मत, इतने सारे देवी देवता, इतना हो गया कि हम सारी भीड़ में अपनी असली पहचान को भूल गए। तो उस मूल तत्व तक हमको फिर पहुंचना पड़ेगा। युग ऋषि ने ऐसी युग शक्ति को घर घर पहुंचाने के लिए, माँ गायत्री को घर घर पहुंचाने के लिए, गायत्री महाविद्या को घर घर पहुंचाने के लिए, गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाने के लिए एक विराट अभियान आरंभ किया। 1958 से मथुरा में उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था, हजार कुंडी यज्ञ, जिसमें लाखों लोग आए। और उन्होंने कहा कि अब ये गायत्री जो हमने सिद्ध की, अब हम हर व्यक्ति को दे रहे हैं, और ये गायत्री एक दिन विश्व का परिवर्तन कर देगी। करोड़ों लोग गायत्री उपासना करने लगे, करोड़ों लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किया, करोड़ों लोगों ने इस ज्ञान विज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोगों के जप से, करोड़ों लाखों यज्ञों से एक ऐसा वातावरण बन गया देवत्व के पक्ष में, और आज हम सारे विश्व में परिवर्तन देख रहे हैं। आइए ऐसी महाशक्ति को हम नमन करें। बोले गायत्री माता की जय। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम। कृपा करो माँ हम भक्तों पर, कृपा करो जननी।
जैसे निवेदन है, माफी चाहूंगा, हमारे अतिथि पधारे माननीय प्रमोद जी भाई साहब का सुनिए ना, स्वागत और अभिनंदन। दो मिनट, केवल दो मिनट, देवावाहन के बाद। देवावाहन के बाद ठीक। हम सभी यहाँ यज्ञ के लिए बैठे हैं। दूसरा पक्ष है यज्ञ, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। कहने को बहुत कुछ है, गायत्री महाविज्ञान पूरा गुरुदेव ने गायत्री महाविद्या पर लिख दिया, और वो भी हमारी उन्होंने संक्षिप्त में लिखा। यदि आप पूरी गायत्री की महिमा वेदों में ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और उसको सारा यहाँ से नहीं कहा जा सकता। तो जो बातें बताई है, दूसरा पक्ष जो महत्वपूर्ण है वो है यज्ञ का। तो एक दिव्य यज्ञ के लिए हम यहाँ बैठे हैं, आइए उसको प्रारंभ करें, उसके संबंध में बात करेंगे। यज्ञ अपने आप में व्यक्तित्व परिष्कार की एक संपूर्ण कार्यशाला है। हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इसी को इस माध्यम से बताया जाता है। जितने भी कर्मकांड, अनुष्ठान, व्रत, त्यौहार जितने भी हैं, वो सभी शिक्षण देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए हैं। दोनों चीज़ें होती है, उससे वातावरण का परिष्कार भी होता है और हम कुछ बातें सीखते हैं, क्योंकि सीखना आवश्यक है। मनुष्य का जीवन एक रिस्क है, मनुष्य का जीवन में एक खतरा है। यदि सही दिशा में नहीं चला, यदि जीवन के प्रति ठीक ठीक दृष्टि नहीं विकसित हुई, तो ये जीवन अपने लिए भी दुख पैदा करेगा, संसार के लिए भी समस्या बनेगा। और यदि जीवन को ठीक ढंग से समझ लिया तो हम स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। तो हर मनुष्य के अंदर अपने जीवन के प्रति एक सही सही दृष्टि विकसित होना चाहिए, ऐसा प्रयास हमारे ऋषि तंत्र का रहा, इसीलिए इतनी सारी हमारे यहाँ धार्मिक विधियाँ हैं। यज्ञ उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर विधि में हम यज्ञ अवश्य करते हैं। अब कम होता है, कम इसलिए होता है कि एक तो उसके महत्व को भूला गया, दूसरा फिर विधियाँ बहुत जटिल हो गई। तो युग ऋषि ने उसको सरल बनाया, लाखों लोगों को सिखाया और घर घर तक पहुँचाना उसको सरल बनाया। तो आइए हम प्रारंभ करें ऐसे यज्ञ को। सबसे पहले उनका स्मरण करें जिनकी कृपा से, जिनके संरक्षण में ये यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। ऐसे सद्गुरु को हम यहाँ स्मरण करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षी भूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुम् तम् नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाद्रितिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टार्भिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदः नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येना त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञा नमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञा नमयः प्रदीपः साधनादि पवित्रीकरणम्। कुछ विधियां हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो यहाँ पर हम करेंगे कर्मकांड के रूप में। वेदों के दो भाग हैं, एक को हम ज्ञान कांड कहते हैं, एक को कर्मकांड कहते हैं। ज्ञान कांड में प्रकृति, परमात्मा, तो गीता उपनिषदों का निचोड़ है। 108 उपनिषद आप नहीं पढ़ सकते, आप गीता को ठीक ढंग से जब पढ़ लेंगे तो आपको वो ज्ञान मिल जाएगा। ये होता है ज्ञान खंड इसका। और दूसरा है कर्मकांड। कर्मकांड अर्थात
प्रकृति में व्याप्त शक्तियों को अपने अनुकूल बनाकर अपने जीवन में उसको हम कैसे समाहित करें, इसको कर्मकांड कहा गया। ये विधियां हैं, ये प्रकृति में बहुत सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर, विचार के रूप में, भावनाओं के रूप में, प्रवृत्तियों के रूप में, प्रतिभा के रूप में वो शक्तियां दिखाई पड़ती है। तो जीवन को पूर्ण बनाने के लिए उन शक्तियों को, उन प्रतिभाओं को, उन प्रवृत्तियों को अपने जीवन में हम किस ढंग से विकसित कर सकते हैं, वो विधियां हैं कर्मकांड। कि अपने हाथ से हम कुछ करते हैं, चीज़ें इधर उधर रखते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई जप वप करते हैं, कोई यज्ञ आहुतियाँ करते हैं, उसी को यहाँ पर आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। युग ऋषि ने इसको सरल बनाया है और दोनों बातें हैं कि पर्यावरण का और वातावरण का परिष्कार भी करें और साथ साथ में जीवन के प्रति हम शिक्षण प्राप्त करें। कुछ विधियां हैं जो कुंड पर बैठे एक परिजन करेंगे, जिनके सामने पूजा की थाली रखी है या जो हमारी तरह मुँह करके बैठे हुए हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कुंड के चारों तरफ बैठे सभी याजक करेंगे और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे स्वयं सेवक भाई बहन करेंगे। तो पहली विधि है यहाँ से जो घोषणा की गई, साधनादि पवित्रीकरण। प्रत्येक कुंड से एक परिजन इसको करेंगे, जिनको सामने पूजा की थाली रखी है, एक पुष्प हाथ में उठाइए, फूल उठाइए, उसको जल में डुबाइए और जो भी सामग्री आपके सामने रखी है उसको जल के छींटे लगाते चलें। स्वयं सेवक भाई बहन ध्यान दें कि यहाँ से हम बहुत सरल भाषा में सबको बता रहे हैं, उसके बाद यदि किसी को कोई समस्या हो तो ही आप बताइए, है ना। यहाँ से घोषणा होते ही आप बताना शुरू न करें तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारी सुने कि आपकी सुने, है ना। इसलिए आप आराम से बैठें, बहुत सरल भाषा में हम सबको बता रहे हैं। हाँ, जल का सिंचन करें सभी वस्तुओं के ऊपर। ॐ पुनातिते परिसृतग्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण सश्वतातना। ॐ पुनन्तु मा देव जनाः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि, जातवेदः पुनिः मा। मंगलाचरणम्। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। हिमालय के ऋषि सत्ताओं की ओर से, ऋषि युग्म की ओर से और देव परिवार की ओर से आपने बहुत अच्छा आयोजन किया, लोक कल्याण का आयोजन किया। यहाँ पर आपने अपना समय साधन लगाया, यहाँ पर आकर आप विराजमान हैं। तो जो लोक कल्याण और श्रेष्ठ कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं उन सबका अभिनंदन किया जाता है। स्वयं सेवक भाई अक्षत पुष्प लेकर सभी याजकों के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करते हुए सबका अभिनंदन करें। हिमालय की ऋषि सत्ताओं का अभिनंदन, आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है, ऐसी भावना करें। ओम भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्तुवाग्वंसस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। किसी भी पूजा अनुष्ठान कर्मकांड के पहले हम षटकर्म करते हैं। षटकर्म अर्थात अपने आप की तैयारी। सारी परिस्थितियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम कैसे हैं, हमारा चिंतन, हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। भैया देखो, हम फिर कह रहे हैं अभी किसी को जल वल हाथ में नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, अभी कुछ नहीं करना है। स्वयं सेवक भाइयों से बहुत निवेदन है, बार बार लोगों को डिस्टर्ब न करें, बिल्कुल आप बैठ जाइए, मैं सब चीज़ यहीं से करवा लूँगा। हाँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, विधि महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि विधियाँ तो हम बहुत करते रहते हैं, रोज़ कोई ना कोई पूजा पाठ लगी रहती है। आपने पानी लिया नहीं लिया, छिड़का नहीं छिड़का, मोड़ी बांधी नहीं मोड़ी, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये हम सब करते रहते हैं। यदि हम सीखे और समझे नहीं
तो क्या होगा, मामला वहीं कम ही रहता। और यदि हमने सीख समझ लिया होता तो हम क्या होते, बोलते ना किसी समय हम जगत गुरु से, हम दुनिया की व्यवस्था को ठीक करते थे, आज हम अपने घर की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाते। क्या बात है कि किया तो बहुत लेकिन सीखा नहीं। यदि सीख लिए होते तो हमारा जीवन बदल गया होता, हम देवताओं जैसा जीवन जीते। तो युग ऋषि ने कहा बेटा धर्म तंत्र से लोक शिक्षण। धर्म तंत्र किसके लिए है, समाज को शिक्षित करने के लिए, मनुष्य को शिक्षित करने के लिए है, है ना। देवी देवता सब बढ़िया है, भगवान सब खुश है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। हम उसको खुश करेंगे, पूजा करेंगे, फिर वो हमारी मनोकामना पूरी करेगा, ऐसी बातों में हमको बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है साहब, है ना। यदि इतना ही सब कुछ होता तो फिर स्वर्ग आ जाना चाहिए था कम से कम। अभी तक तो हजारों साल हो गए हमको ये सब चीजें करते हुए, समझे ना। इसलिए युग ऋषि ने कहा धर्म तंत्र किस लिए बना है, लोक शिक्षण के लिए। जीवन कैसा जिया जाए ये सबसे बड़ी सीखने की बात है। तो ये षटकर्म की प्रक्रिया होती है, अपने आप को हम कैसा बनाएं ये सबसे महत्वपूर्ण है। गीता में भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, है ना। मनुष्य अपने मोक्ष और बंधन का कारण है। मनुष्य अपने स्वर्ग सिर के ऊपर एक शिखा वाला स्थान होता है, चोटी जहां रखी जाती है, और शिखा का अर्थ होता है ऊंचाई। आप ऊंचाई की तरफ बढ़िए, आपके अंदर बहुत संभावना है कुछ बनने की, तो आपको कैसा बनना है, आपको और ऊंचा उठना है, और अच्छा बनना है, और अच्छा बनना है, और नई नई बातें सीखना है, अपने जीवन को आपको परिष्कृत करना है। भैया हमारे कार्यकर्ता भाई धैर्य रखिए, है ना, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, बिल्कुल आप धैर्य रखने का अभ्यास बनाइए, है ना। भारतीय दर्शन की खोज है, सनातन धर्म की खोज है। क्या खोज है, कि जीव अपनी पूर्ण पवित्रता में परमात्मा है। जीव अपनी पूर्ण पवित्रता में परमात्मा है। हम सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं, लेकिन अभी उस बात को हम देख नहीं पाए, अनुभव नहीं कर पाए। तो जीवन की यात्रा इसीलिए है, जीव ने शरीर को धारण किया है, आत्मा ने शरीर को धारण किया है। क्यों किया है, कि उसको पूर्णता तक पहुंचना है, परमात्मा हो जाना है उसको। इस मूल बात को आप ध्यान रखिए। सनातन की खोज क्या है, भगवान कहीं आसमान में बैठा है, हम यहां उसकी कोई पूजा पाठ करेंगे फिर वो प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूरी करेगा, ये कंसेप्ट भारत का नहीं है, ये बाहर से आया है। ये चीजें हमने मुसलमानों से ले ली, ये चीजें हमने ईसाइयों से ले ली, कि कहीं बैठा है वहां सातवें आसमान पर। प्राणायाम, जल नीचे छोड़ दीजिए, प्राणायाम की प्रक्रिया करते हैं। अब अगली विशेषता हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, प्राणवान बनिए, कमजोर और कायर मत बनिए, डरपोक मत बनिए। जो डरपोक है, कायर है, उसकी सारी अच्छाइयों का कोई मूल्य नहीं। बहुत अच्छे हैं साहब, दयावान है, सेवा करते हैं और सबकी मदद करते हैं, और सब बहुत अच्छे आदमी, भगवान का भजन भी खूब करते हैं, सुंदरकांड भी खूब कर लेते हैं, सब बढ़िया बात है, लेकिन डरते हैं, डरते हैं बस। ऐसा डरने वाला आदमी सन्मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि सन्मार्ग पर चलना, भगवान के रास्ते पर चलना क्या है, खतरों का खेल है। राम भक्त हनुमान की जयंती आपने मनाई, जन्मोत्सव मनाया, क्यों मनाया साहब, राम भगवान की पूजा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इनको ही राम भक्त क्यों कहते हैं। तो इन्होंने मजीरे लेकर राम 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 किया कि नहीं किया, सुंदरकांड का पाठ किया कि नहीं किया, भगवान की पूजा की कि नहीं, उनको फूल चावल चढ़ाए कि नहीं, लेकिन भगवान के काम के लिए खतरा उठा लिया, खतरा उठाया ना, कि समुद्र पार कौन जाएगा,
इतना बड़ा खतरा, जान की जोखिम, वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको कहते हैं भगवान की भक्ति। अर्थात उस परमात्मा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल देना, अपने सुख का त्याग कर देना, अपने लोभ का त्याग कर देना, अहंकार का त्याग कर देना, मोह का त्याग कर देना, और वो करना जो वो चाहता है, इसको बोलते हैं भगवान की भक्ति। इतना सस्ता नहीं है। भजन गा लेना ठीक है, पूजा पाठ कोई भी कर सकता है। कबीरदास कहते हैं कर का मन का छोड़ के मन का फेर। भीतर क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है, बाहर तो कोई कुछ भी कर सकता है, समझे। तो प्राणवान व्यक्ति ही भगवान के रास्ते पर चल सकता है, जो डरता नहीं है। सन्मार्ग पर चलोगे तो खतरे आएंगे, दिक्कतें आएंगी, त्याग करना पड़ेगा। हम सभी प्राणवान बने, इसके लिए एक छोटी सी प्राणायाम की प्रक्रिया। सीधे होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, सूर्य का ध्यान करते हुए देखिए सांस चल रही है हमारी, है ना। सांस के माध्यम से प्राण तत्व हमारे शरीर में आ रहा है, उससे हमारा जीवन चल रहा है, इसलिए हम प्राणी कहे जाते हैं। मनुष्य के पास संकल्प की शक्ति है, उस संकल्प की शक्ति से वह अधिक मात्रा में प्राण तत्व अपने अंदर ले सकता है, अपने आत्मबल और मनोबल को बढ़ा सकता है। सारा खेल आत्मबल मनोबल का है। वीर भोग्या वसुंधरा, आप वीर हैं तो धरती आपकी है, आप वीर नहीं है कोई छीन के ले जाएगा। बोलते हैं ना जर जोरू और जमीन जोर की नहीं तो किसी और की, समझे ना। तो शक्ति है कि नहीं आपके पास, आप प्राणवान है कि नहीं। तो हम थोड़ा सा प्राणायाम करके उस प्राण तत्व को अपने अंदर विकसित करें। धीरे धीरे गहरी सांस खींचिए, सूर्य के प्राण को, तेज को, प्रकाश को अपने अंदर ले रहे हैं। सांस रोकिए, सूर्य का प्राण, तेज, प्रकाश हमारे मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। शरीर के रोग शोक कषाय कलमन, मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, ऐसा संकल्प किया ना। कृष्ण ने एक संकल्प किया कि मैं इस टुकड़े टुकड़े वाले भारत को महाभारत बना दूंगा, ये आप क्या डिमांड रखते हैं। हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिना, डिमांड रखी ना, तो नेचर ने उनको दिया, हम क्या डिमांड रखते हैं, देख लीजिए। वो हमारे अंदर संभावना है जो किसी राम के अंदर है, जो किसी कृष्ण के अंदर है, जो किसी हनुमान के अंदर है, जो किसी शंकराचार्य के अंदर है, जो किसी गुरु गोविंद सिंह के अंदर है, वो सारी संभावनाएं हम भी स्वयं लेकर बैठे हुए हैं, पर हमको पता नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जानिए इसको कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। किसी सद्गुरु के चरणों में बैठकर उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, अपनी संभावनाओं को जानिए। आइए एक बार पुनः प्राणायाम करें इसी भाव से, यहाँ से हम मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। चलिए अब ये जो बातें हमने की अंदर की बातें, अब इससे बाहर आते हैं। हमने कहा ना व्यक्तित्व परिष्कार का प्रशिक्षण है यज्ञ। अब इससे बाहर आएंगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, अपना शरीर मिलेगा। शरीर परमात्मा का वरदान है हमारे लिए। मनुष्य नहीं बनते तो फिर क्या होता। तो मनुष्य बने, अच्छी लग रही, देखने में अच्छी लग रही, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होगा, इसका विचार करके उपयोग करें। बाएं हाथ में जल लीजिए, अपनी सभी इंद्रियों को हम पवित्र बनाते हैं। दाहिने हाथ की अंगुलियां उसमें डुबाइए और शरीर के अलग अलग इंद्रियों को स्पर्श करें, इनका हम पवित्र उपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे। ओम वाग मे अस्यस्तु, मुख को लगाइए। ओम नसो मे प्राणोस्तु, नासिका को स्पर्श करें।
ओम अक्षनोर्मे चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को स्पर्श करें। ओम बाहोर्मे बलमस्तु, दोनों भुजाओं को स्पर्श करें। ओम उर्वोर्मे ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को स्पर्श करें। ओम अनिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मेहसा संतु, सारे शरीर पर जल छिड़क लें। पृथ्वी पूजन करते हैं, जिनके सामने पूजा की थाली रखी, थोड़े थोड़े फूल हाथ में ले लें और शेष परिजन एक एक आचमनी जल हाथ में ले लें। ये धरती माता है और ये भारत भूमि है। यहाँ की भूमि का गांव गांव तीर्थ है। हजारों लाखों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। इस भूमि पर भी कभी न कभी कोई पुण्य कार्य हुआ ही होगा, कोई न कोई यज्ञ हुआ होगा, कोई न कोई पुण्य कार्य हुआ ही होगा, क्योंकि भारत तो अवतारों की, देवताओं की, ऋषियों की भूमि है। तो धरती माता से हम प्रार्थना करते हैं, इस भूमि पर जो भी श्रेष्ठ कार्य अभी तक हुए, उस सबके संस्कार विकसित हों और हमारे इस यज्ञ आयोजन की सफलता में हमको सहयोग मिले, ऐसा भाव करते हुए अपनी इस देव भूमि को हम सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। धरती माता पर छोड़ दीजिए, स्पर्श करके प्रणाम कीजिए। देवताओं की भूमि, ऋषियों की भूमि, महापुरुषों की भूमि, ज्ञान की भूमि, वेद की भूमि, अवतारों की भूमि, यहाँ पर हमको जन्म मिला है, क्योंकि ये योग की भूमि है। भारत भूमि पर कब जन्म मिलता है? जब जीवन में योग का अवसर निकट आ जाता है तब भारत भूमि में जन्म, और जब तक भोग करना ही रहता है तो आप दुनिया के दूसरे देशों में जन्म लेंगे, क्योंकि भोग भूमि है। लेकिन भारत में आकर भोगमय जीवन जीना अपने आप को बड़े खतरे में डालना है, क्योंकि भूमि भोग की नहीं है, योग की भूमि है। तो योग की तरफ आगे बढ़िए चलें। इसके बाद अब हम फिर और आगे बढ़ते हैं। अपने शरीर को हमने देख लिया, अब इसके बाद क्या है, अपने आसपास के लोगों को देखिए, हमारे घर परिवार का। इसी तरह से जीवन चलता है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। शंकराचार्य जी ने कहा कि सब लोग अलग अलग ढंग से होते हैं और यही विविधता ही हमको आगे बढ़ाती है। तो कंकु चाव रखा हुआ है, रोली कंकु घोला हुआ रखा हुआ है, थाली में है, देखिए कंकु रखा है, कुमकुम रखा हुआ है, जल डाल के उसको घोल लें। एक दूसरे को तिलक कीजिए, बहनों को बिंदी लगाएं, भाइयों को अंगूठे से लंबा तिलक करें, ऊपर से चावल लगाइए, एक दूसरे को तिलक लगाते चलिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदा महर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यणिं, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम्। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरद शतम्। सूत्र बांधिए, थाली में सूत्र रखा है, मौली रखी है, सबको बांट दीजिए, टुकड़ा करके बांट दीजिए, टुकड़ा है तो बांट दीजिए। ये संकल्प का सूत्र है, हाथ में धागा बंधा है, इसका अर्थ है व्यक्ति संकल्पित है, किसी दिशा में चल रहा है, उसने अपने लिए कोई दिशा तय कर ली है, उसने अपने लिए कोई विचार तय कर लिया है, किस विचार पर मेरा जीवन चलेगा, किस सिद्धांत पर मेरा जीवन चलेगा, मेरा आदर्श क्या है, ऐसा उसने तय कर लिया है। उसके जीवन में एक मिशन पैदा हो गया है, एक मिशन होना चाहिए लाइफ में, किस बात के लिए जीवन जी रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने पद्म पुरस्कार बांटे। पद्म पुरस्कार किसको दिए गए? कि कोई माता जी है वो उन्हें 20,000 बड़ के पेड़ लगा दिए, कोई ऐसी एक माता जी है कि जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी और उसने कहा नहीं नहीं भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, हम कुछ और करें, तो उन्होंने
जो आसपास उनके बच्चे थे बहुत से जो भीख मांगते थे, निराश्रित जीवन जीते थे, उनको इकट्ठा करके उनकी सेवा शुरू की और एक बहुत बड़ा उनका संस्थान बन गया। लोगों ने खूब सहयोग किया तो कम से कम 20,000 बच्चों को उन्होंने पढ़ा लिखा के ठीक ढंग से उनका जीवन बना दिया। ऐसे बहुत सारे काम हमारे आसपास बिखरे हैं जो हमसे डिमांड करते हैं कि समाज के लिए हम कुछ ना कुछ करें, ऐसा कोई मिशन जीवन में हम पैदा करें और अपने जीवन का लक्ष्य उसको बनाएं तो हमारे जीवन को एक काम मिलेगा, जीवन में प्रेम विकसित होगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। ऐसे किसी मिशन की बात ये कलावा बोलता है कि ये व्यक्ति संकल्पित जीवन जी रहा है। जिसके जीवन में कोई संकल्प नहीं है कि क्या होगा, फिर क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं साहब, चल रहा है बस, फिर अपने ही रोने हैं, अपने ही दुख हैं, अपनी ही समस्याएं हैं, उसमें उलझे रहे जीवन भर। ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, एक संकल्पित जीवन जिए, एक सही दिशा में चलने वाला। ये सूत्र आपको दिया गया है, आपस में एक दूसरे को बांधें, बहनों विवाहित बहनों को बाएं हाथ में बांधें, शेष सभी को दाहिने हाथ में बांधते चलें, हम सभी अपने आप को बांधें। चलिए, ओम व्रतेन दीक्षाम आप्नोति दीक्षे आप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धाम आप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब पूजन का क्रम होगा, बांधते चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजन का क्रम होगा, एक क्रम से जिन परिजनों का नाम लिया जाए वो देव मंच पर आ जाए, सपत्निक आ जाए। पूजा सामग्री यहाँ रखी हुई है, जल का पात्र नहीं है, जल का पात्र लेकर देव मंच पर आ जाए, नाम बुलाएं। रखा है, चलो ठीक है। राधे श्याम जी और श्रीमती शारदा देवी हैं, आ जाइए। विठल भाई और इंदु जी, ममता जी जो ऊपर जाओ, नरोत्तम बंसीधर जी देव मंच पर, नगर राम जी पंजी प्रेम जी भाई, प्रेम जी हमारे देश में पूजा करने का बड़ा प्रचलन है। रमेश जी आबू रोड, हम लोग कई कई तरह की चीजों की पूजा करते रहते हैं। गाड़ी लाए तो उसकी पूजा कर दी, नए कपड़ा लाए तो उसकी पूजा कर दी, घर का सामान इकट्ठा करके उसकी पूजा कर दी, फिर काम में लेने लगे, बोले कलश एक ले आओ, दीपक एक ले आओ, लिंदु एक थाली ले आओ, तो पूजा हो गई। पूजा का अर्थ होता है सम्मान करना। किसका सम्मान करें? उन विचारों का, उन प्रवृत्तियों का, उन व्यक्तियों का, उन व्यवस्थाओं का, उन वस्तुओं का जिनसे हमारा जीवन चलता है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, जो सृष्टि के संचालन में जो चीजें लगी है, उन सब का सम्मान कीजिए और वो सब व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहे उसके लिए आप अपने तरफ से कोई कंट्रीब्यूट कीजिए, योगदान कीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि मनुष्य अकेला जीवन नहीं जी सकता। इसलिए पूजा का अर्थ होता है सम्मान करना और उसको बार बार याद कर लेना कि हाँ भाई ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को ठीक करना है, इन बातों को पोषित करना है। तो कलश का पूजन सबसे पहले होता है, कलश में जल है, फल है, वनस्पति है ना। ये बातें हमको जानना आवश्यक इसलिए है कि विशेषकर नई पीढ़ी जो हमारी आ रही है वो जानती नहीं है कि ये क्यों इनकी पूजा कर देते हो, पत्थर की मूर्ति में कोई भगवान होता है क्या, शिवलिंग पर दूध चलाते हो, बर्बाद करते हो, घी जला रहे हो यज्ञ में से तो चूरमा बना के खाओ, है ना, तो ज्यादा काम का है।
बाहर जाते हैं लोग इनसे ऐसी बातें करते हैं, बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, बहक जाते हैं। फिर बोलते हैं देखो तुम्हारा धर्म तो जो है ऐसे अंधविश्वास है, हमारा धर्म जो है उसमें बड़ा अच्छा है ना। धर्मांतरण क्यों हो रहा है? धर्मांतरण इसीलिए हो रहा है, पूरी साजिश चल रही है कि हिंदू लोग, भारतीय लोग अपने धर्म के विज्ञान को नहीं जानते, और पूरी साजिशन उनको ये कन्विंस करवा दिया जाता है कि ये सब ढोंग धतूरा है, ये महाराज लोग पंडित लोग सब बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे करके उनको कन्विंस कर लिया गया है। कारण क्या है? न हम इसको जानना चाहते हैं और न हम इसको अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर देखो नवयुवक लोग बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ वही लोग बैठे हैं जिनको फुर्सत है, कोई काम नहीं है, वो लोग यहाँ बैठे हैं। कोई पहली बार धूप पड़ रही है, इसके पहले धूप नहीं पड़ती थी। धूप पड़ेगी तो शादी ब्याह में जाएंगे जहाँ खाली शोभा बढ़ाना है, कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं, टाइम खराब होना है। तो इस बात को हम चौथे पांचवें नंबर पर रखते हैं, न हम स्वयं सीखते हैं न अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं, इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी या तो मुसलमान हो जाएगी, ईसाई हो जाएगी या नास्तिक हो जाएगी, समझे आप। इसलिए हम एक एक बात को आपको ठीक से क्लियर कर रहे हैं कि ये कोई ढोंग धतूरा नहीं है, ये एक साइंस है जो मनुष्य के चेतना को प्रभावित करता है, उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है, उसको जीवन जीने की एक दिशा देता है। और जब तक दिशा ठीक नहीं होगी दशा ठीक नहीं होगी, याद रखना। धन संपदा रावण के पास ही बहुत थी, धन संपदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग हम कब कर पाएंगे? जब हमारी धारणाएं ठीक होगी, जब हमारा चिंतन ठीक होगा, जब हमारी दृष्टिकोण ठीक होगा, तब तो कर पाएंगे ना। तो इसी भाव से यहाँ कलश का पूजन कर रहे हैं, कलश में जल है, फल है, वनस्पति है, पूरा पर्यावरण का प्रतीक है कलश। और यदि मिट्टी का कलश है तो मिट्टी भी उसमें है। जल से जीवन है, जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ है? जो बायोलॉजी पढ़ते हैं जानते हैं, अमीबा प्रोटोजोवा, जल वहां से आरंभ हुआ, वहां से जीवन आरंभ हुआ। आज भी कोई सैटेलाइट जाता है तो वो क्या खोजता है? किसी भी ग्रह पर जल खोजता है, पानी है कि नहीं, यदि पानी है तो जीवन 100% होगा। और जल प्रतीक है श्रद्धा का, श्रद्धा है अच्छे विचारों पर, अच्छे व्यक्तियों पर, अच्छी व्यवस्था पर, अनुशासन पर श्रद्धा है कि नहीं है। यदि श्रद्धा आपकी ठीक जगह पर है तो आपका जीवन शानदार बनेगा, नहीं तो अरे ये सब ये भी बेकार है, अरे वो भी बेकार है, अरे वो भी ढोंग है, अरे वो भी ऐसा है, अरे कुछ नहीं होता जी। तो जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है भटकता रहेगा, पाएगा कुछ नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो जल है श्रद्धा का प्रतीक, जीवन में श्रद्धा का बड़ा भारी महत्व होता है। इसी श्रद्धा के आधार पर मीरा ने कृष्ण को नचाया, इसी श्रद्धा के आधार पर रामकृष्ण की काली उनके हाथ से भोजन करती थी, इसी श्रद्धा के आधार पर महाराणा प्रताप ने मुगलों से टक्कर ली, इसी श्रद्धा के आधार पर शिवाजी ने भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, श्रद्धा के आधार पर, एक विचार पर श्रद्धा जमाई। इसलिए अपनी श्रद्धा को अच्छी जगह पर जमाइए। ये कलश इस बात का प्रतीक है, यहाँ पर हम उसको वरुण देवता का आह्वान करते हैं, कलश के माध्यम से सभी देवी देव शक्तियों का आह्वान करेंगे, सभी जन हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमन करें। यहाँ से आपके प्रतिनिधि के रूप में पूजन का क्रम किया जा रहा है। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धुरुसग्वं समान आयुः प्रमोसिः। ओम मनो ज्योतिरजुसतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोद्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवा सैहमादय तामों प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जनोद्भव सानिध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा।
प्रकाश के प्रतीक के रूप में दीपक रखा जाता है, प्रकाशवान बने और ऊंचाई को उठती है, दीपक की लौ ऊंची उठती है, उसको देखकर हम ये बात सीखें। प्रकाश अर्थात ज्ञान, ज्ञान ही हमारे जीवन का उद्धार करेगा। आपकी ओर से एक परिजन यहाँ दीप पूजन कर रहे हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। देवावाहनम्, देवावाहन करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे देवी देवता हैं, इतने देवी देवता हैं कि कोई गिनती नहीं है। इतने सारे देवी देवता क्यों हैं साहब? ये भी एक विचार करने की बात, एक से काम नहीं चलता क्या? और इस चक्कर में हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारे मंदिर हो या हमारे घर की पूजा स्थली हो, वो एक म्यूजियम बन जाती है। बहुत सारे देवी देवता अलग अलग ढंग के, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई आसमान में उड़ रहा है, अलग अलग ढंग के देवी देवता, अलग अलग ढंग की तस्वीरें हम इकट्ठी कर लेते हैं। क्या करें इनका, क्या काम पर चलते हैं ये? किसी ने कह दिया कि नहीं है, वो तो पूजा पाठ करते रहो, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। ऐसा कह दिया, हमको ये बात अच्छी लगी, है ना? समझना चाहिए, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, उसकी अनेक शक्तियां इस विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जो सृष्टि की स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का व्यवस्थाओं का संचालन करती, कुछ ऐसी है जिसको हमने मशीनों से पकड़ लिया, इंद्रियों से उसका उपयोग करने लगे, जैसे बिजली की शक्ति है, हवा की शक्ति है, ग्रेविटी है, परमाणु की शक्ति है, गर्मी की शक्ति है, मैग्नेट है, इसको हमने जान लिया, मशीनों से पैदा करने लगे, काम में लेने लगे। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी शक्तियां हैं जो इस अंतरिक्ष में, विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसको सामान्य रूप से हम अनुभव नहीं कर पाते। तो जिन्होंने इसको अनुभव किया और जाना, उन्होंने हमको इसका ज्ञान और विज्ञान बताया, उनको हमने देवशक्ति कहा। और उनको अपने जीवन में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं जीवन के उत्कर्ष के लिए, उसका हमको विधि बताई है। जैसे सरकार, हम कहें सरकार, कहाँ है सरकार? सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, पटवारी भी सरकार है, शिक्षक भी सरकार है, डॉक्टर भी सरकार है, पुलिस थाने वाले भी सरकार है, कोर्ट भी सरकार है, प्रधानमंत्री भी सरकार है, मुख्यमंत्री भी सरकार है। तो सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, उसकी शक्तियां चारों तरफ बिखरी है, ये एक तरह का मैनेजमेंट है। उसी प्रकार से परमात्मा एक है, मूल चेतना एक है, उसकी कई सारी शक्तियां, जैसे बिजली आपके घर में आती है, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, बिजली भी चल रही है, लाइट भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, लेकिन मूल शक्ति क्या है इन सबकी? वो परमात्मा है। उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं और देव शक्तियों की आराधना करके हम उनका सहयोग लेकर अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं। ये सब बातें हमको कौन बताएगा? इसलिए सबसे पहले हम सद्गुरु का स्मरण करते हैं। सद्गुरु वो है जो हमको सिखाते हैं, बताते हैं, इसलिए सद्गुरु से मिलने को बोलते हैं उपनयन संस्कार। मनुष्य का जन्म हो जाता है, कैसा होता है? जैसे दूसरे जानवर के बच्चे जन्म लेते हैं, मनुष्य का भी जन्म हो जाता है। तो ऋषियों ने कहा, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्युच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ क्या है? शूद्र का अर्थ होता है छोटा, छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी तकलीफें, छोटी छोटी डिमांड्स, छोटी छोटी मांग। बच्चा होता है ना, बच्चा क्यों रो रहा है?
भूख लगी है या उसके शरीर में कोई तकलीफ है तो वो रो रहा है, उसको कुछ असुविधा लग रही है तो रो रहा है, कोई बड़ी भारी बात से थोड़ी रो रहा है वो, इसलिए थोड़ी रो रहा है कि साहब रूस ने बहुत बम बरसा दिए, बंद करना चाहिए इसलिए मैं रो रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कर रहा है ना। इसलिए हमारे यहाँ दो शब्द चलते हैं, एक होता है शूद्र, एक होता है सवर्ण। बड़ा झगड़ा मचा हुआ इसका, ये शूद्र और सवर्ण। तो शूद्र और सवर्ण क्या चक्कर है ये? शूद्र वो है जो छोटा जीवन जीता है, जिसके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आदर्श नहीं, कोई दिशा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई जीवन का उपयोग नहीं है, बस खाओ पियो मजे करो चीजें इकट्ठी करो, देश धर्म समाज संस्कृति का कोई विचार नहीं, सही गलत मर्यादा है ये नहीं करना है ये करना है इसका कोई विचार नहीं, बस अपना खाओ पियो मजे करो, अपनी समस्या में उलझा रहता है और अपनी अपनी पूर्ति करता रहता है। सवर्ण वो है जिसके पास एक दिशा है, एक कंसेप्ट है, एक विजन है कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये जिम्मेदारी संभालना है, उसको सवर्ण कहते हैं। इसमें जाति का कोई लेना देना नहीं। और ये सवर्णों में तीन तरह के लोग आते हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। समझे आप? ब्राह्मण वो होता है जो ज्ञान की जिम्मेदारी उठाता है कि मैं समाज में ज्ञान का विस्तार करूंगा, समाज के अज्ञान को मिटाऊंगा, व्यक्ति समाज और परिवार को एक अच्छा जीवन जीने का शिक्षण दूंगा, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तपस्वी जीवन जीता है, पवित्र जीवन जीता है, अपने जीवन में कई सारे वो अपने साथ प्रयोग करता है और उस ज्ञान को समाज तक पहुंचाता है, तो जो ज्ञान से सेवा करने की जिम्मेदारी उठाए उसको ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा एक वर्ग वो होता है जो कहता है सर ज्ञान का क्षेत्र तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, समाज में अर्थव्यवस्था को बढ़िया बनाएंगे, सब चीजें उत्पन्न हो, पैदा हो, उनको हम बनाएं, अनाज अच्छा पैदा हो, चीजें बने, व्यापार चले, आयात निर्यात बढ़िया ढंग से हो, देश की अर्थव्यवस्था ऊंची उठे, समाज में कोई गरीब नहीं रहे। तो जो अर्थ के क्षेत्र में काम करता है, धन के माध्यम से समाज की सेवा करता है, उसको हमने कहा वैश्य। जीवन का एक उद्देश्य हुआ ना। और एक होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय अर्थात जो प्रशासन बनाता है, समाज में प्रशासन अच्छा चले, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं हो, कहीं कोई किसी को डराए धमकाए नहीं, कहीं कोई शोषण नहीं हो, सब लोग अपना जीवन सुख से जिए, अपने अपने कार्य को ठीक ढंग से करें, समाज में अपराध ना हो, इसके लिए वो राजनीति के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाता है, उसको कहते हैं क्षत्रिय। ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग तीन ढंग से समाज को, और यही तीन चीजें समाज को प्रभावित करती है, कोई भी समाज व्यवस्थित है कि नहीं है, तीन चीजें। तो जिसके जीवन में कोई विजन है, कोई सिद्धांत है, कोई आदर्श है, जीवन के प्रति एक संसार के प्रति दृष्टिकोण है, वो सवर्ण है, और जिसको ऐसा कुछ नहीं है वो शूद्र है। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं, जातियां कुछ भी हो सकती, समझे आप? तो ऋषि कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, आ गए दुनिया में क्या कर रहे हैं, खाना दो खाना दो खाना दो, प्रकृति ने सिखा दी ना दो बातें, प्रकृति योग क्या है, ऐसा वो ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। अब ये बात कैसे होगी, ज्ञान से होगी, और ज्ञान कौन देगा, सदगुरु देगा। इसलिए हमने 9 वर्ष 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार करवा के गुरु से जोड़ दिया, बेटा ज्ञान के भंडार से जुड़ जा तो तेरा जीवन कुछ न कुछ बन जाएगा, तू अपने जीवन में अच्छा बन जाना। तो सदगुरु हमको वो दिशा देते हैं, वो दृष्टि देते हैं, देखना सिखाते हैं, वो बोध कराते हैं कि तुम मनुष्य हो, तुमको मनुष्य की तरह से जीवन जीना चाहिए, ऐसा बोध कराते हैं। और हमारे जीवन में जीवन की संकीर्णताओं को हटाकर हमको विराटता की ओर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सदगुरु को हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व दिया गया। आइए ऐसे सदगुरु को हम यहां पर स्मरण करें, आवाहन करें। वर्ण आचार करने की तुम्हें आशा
सदगुरु का पूजन आवाहन हो रहा है। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता देव माता गायत्री इन दिनों युग शक्ति के रूप में सारे विश्व में कार्य कर रही है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वंदनीय माता भगवती देवी ने कठोर तप साधना करके इससे आदि शक्ति को धरती पर अवतरित किया, जन जन तक पहुंचाया और उन्होंने कहा अगले दिनों युग परिवर्तन होने वाला है, धरती पर सतयुग का अवतरण होने वाला है, उसके लिए जो शक्ति कार्य करेगी वो गायत्री की करेगी। तो गायत्री महाशक्ति मनुष्य के जीवन में विचारों में परिवर्तन ला रही है। इन दिनों विचारों का एक युद्ध चल रहा है। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, टीवी में आप देख लीजिए, कोई ना कोई बहस मची हुई है। क्या बहस है? ये विचार शक्ति का खेल है और इस विचार शक्ति से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जिनको हम महाशक्तियां कह रहे थे वो नीचे आ रहे हैं जमीन पर, जिनको कोई जानता नहीं था वो लोग दुनिया में बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? विचार शक्ति से। तो विचार में बहुत शक्ति होती है, परंतु वह विचार शक्ति सही दिशा में चलना चाहिए। ऐसा वातावरण बना दिया गया है इस विश्व में। करोड़ों लोग रोज गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, विशेष विशेष प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में एक ऐसा वातावरण इस ब्रह्मांड में ऐसी व्यवस्था बना देना कि वो विधि काम करे। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता है, कोई भी जब सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ में क्या आता है, किस में चलेगा, एक्सपी में चलेगा, विंडो 8 में चलेगा, विंडो 10 में चलेगा, किस में चलेगा, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है कौन से प्रोग्रामिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो ऋषि में यही विशेषता होती है कि वो पहले विधान बनाते हैं और फिर विधि बना देते हैं कि अब आप ये विधि कीजिए। साहब ये विधि हमने पहले तो कभी कहीं देखी नहीं। हाँ नहीं देखी, लेकिन ऋषि ने बना दी, वो बना सकता है, वो इतनी शक्तिशाली होता है। तो युग ऋषि ने ऐसा विधि बना दी और ऐसा विधान बना दिया और उसके परिणाम स्वरूप आज विश्व में बड़े बड़े परिवर्तन हम सब देखेंगे। आइए ऐसी युग शक्ति को हम यहाँ पर आवाहन करते हैं, उसका आशीर्वाद और सहयोग हम सबको मिले। ओ माया तुवर दे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़कर वेद माता माँ गायत्री को प्रणाम करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता
प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अपने स्थान पर बैठें, विराजमान हो जाएं। सभी साधक अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। सभी देवताओं को हम यहाँ पर आवाहन करते हैं, देव शक्तियों को आवाहन करते हैं। अनेक प्रकार की देव शक्तियाँ हैं, उनकी कल्पना की गई है, उनके गुणों के अनुरूप उनके चित्र और मूर्तियाँ बनाई गई है। बड़ी विचित्र विचित्र मूर्तियाँ हम देखते हैं कि गणेश जी ऐसे हैं कि उनको मनुष्य के शरीर पर हाथी का सिर लगा हुआ है। ऐसा कोई आदमी हो सकता है कि मनुष्य का शरीर और सिर हाथी का है? उसको जोड़ना मुश्किल है पहली बात तो ये, और भी इतना वजन लेकर आदमी चलेगा कैसे, है ना? और ऐसे गणेश जी को हमने बोला विघ्न विनाशक। अच्छा, फिर लड्डू खाते हैं, शरीर मोटा है, ऐसी हमने आकृति बना दी। तो आकृति क्या है? आकृति उस गुण को प्रदर्शित करने का माध्यम है कि जब आप गणेश जी के सामने बैठेंगे तो आपको क्या बात सीखना है उनसे, है ना? तो दुर्गा माता को देखो, आठ हाथ हैं उनके। अब किसी स्त्री को आठ हाथ होंगे तो उसका तो बहुत परेशानी हो जाएगी ना, कैसे तो सोएगी बैठेगी कैसे करेगी, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इतना वजन लटक जाएगा दोनों कंधों पर। तो लेकिन एक शब्द चित्र बनाया जाता है और उस माध्यम से हमको कुछ सिखाने की बात की गई है। ये स्कूलों में क्या होता है, सरस्वती माता को हम बैठाते हैं, सरस्वती माता, है ना? सरस्वती माता का अर्थ क्या होता है? ऐसी विद्या जिससे हमारा जीवन रसपूर्ण बन जाए, सरस्वती। क्योंकि जीवन कैसा होना चाहिए? रसपूर्ण। रस किसे कहते हैं? आनंद को। तो मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है? आनंद बनाइए, आनंद के लिए, मैं सुख के लिए मिला। सुखी रहिए, आनंदित रहिए। हमेशा तनाव में रहोगे, हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, हमेशा चिंताओं में लगोगे, हमेशा हिसाब किताब जोड़ते रहोगे, हमेशा लाभ हानि का विचार करते रहोगे, तो जीवन रोने कल्पने के लिए थोड़ी मिला। तो हमारे जीवन में आनंद कैसे आएगा? इसलिए सरस्वती माता को हमने कहा कि भाई ये सरस्वती माता कैसी होती है, सादे सफ़ेद कपड़े पहनी हुई है, नदी के किनारे बैठी, मंदिर में नहीं बैठी, नदी के किनारे बैठी, सोने चांदी के मुकुट नहीं लगाए हैं, फूलों के गहने पहन लिए, फूलों का श्रृंगार है, नदी के किनारे बैठी है, झरना बह रहा है, वीणा बजा रहे हैं, कोयल बोल रही है, फूल खिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मोर नाच रहा है, आनंद भरा पड़ा है, किताब हाथ में ले रखा है। तो जीवन को आनंदपूर्ण बनाइए, तो नाचिए गाइए, अच्छे अच्छे विचार पढ़िए, लोगों की सेवा कीजिए, प्रकृति का दर्शन कीजिए, इसमें आनंद है। तो सरस्वती हमने उसकी कल्पना से बनाई, ऐसा उनका चित्र बनाया। तो ये सभी जो देवताओं के अलग अलग चित्र हैं, ये कोई ना कोई बात हमको सिखाते हैं। शिव जैसा कल्याणकारी जीवन जियो, आशुतोष, कम से कम में संतोष करे। कहाँ बैठे हैं? बोले हिमालय में बैठे हैं साहब। कपड़ा नहीं मिला तो जानवर का चमड़ा लपेट के काम चला लिया, चिता की भभूत शरीर पर लपेट ली। मृत्यु को याद रखना कभी भी आ सकती है। और गुफा में ही रह लिए, कोई बिल्डिंग मकान नहीं बनाया, और इतने पावरफुल हैं कि सांप बिच्छू को कंट्रोल कर लेते हैं। सांप भुजंग जो हानिकारक तत्व है उसको कंट्रोल करने की शक्ति भी है। मस्तक शांत रहता है, चंद्रमा बना हुआ है, शांत, क्रोध नहीं आता, समझे? और औघड़ दानी है, सबको देते हैं, है ना? ऐसा जीवन हमारा बने, आशुतोष अपने पास कम से कम रखें। ये शिव का है, हमको एक दर्शन है, दर्शन इसी को कहते हैं। दर्शन मतलब देखना नहीं होता, ऐसा करके देख लिया, हाँ जरा मेरे को देख लेने, देख ले दर्शन, दर्शन अर्थात फिलोसफी, उसको देखकर आप क्या बात समझे। इसलिए हमारे यहाँ अलग अलग त्यौहार पे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा है कि इस तत्व को जीवन में विकसित कीजिए। इसलिए हमने धन को भी देवी के रूप में पूजा और मृत्यु का भी देवता बनाया। दूसरे धर्मों में या दूसरे विचारों में मृत्यु कौन करता है? शैतान होता है, वो मारता है। हमने कहा नहीं नहीं, मृत्यु भी प्रकृति का एक आवश्यक अंग है। यदि मृत्यु होना बंद हो जाएगी तो क्या होगा? समय का मैनेजमेंट, शरीर का मैनेजमेंट, स्वास्थ्य का मैनेजमेंट, धन का मैनेजमेंट ठीक ठीक मैनेज कीजिए तो चीजें उपयोगी बनेगी। बिना व्यवस्था के अच्छी चीजें भी बेकार हो जाती है। तो ये अलग अलग देव शक्तियों की आकृतियां बनी हुई है, यद्यपि शक्तियों की कोई आकृति नहीं होती, है ना? तो आइए सभी देव शक्तियों को हम यहाँ पर आवाहन करते हैं श्रद्धा भावना पूर्वक। हमारे बुलाने से देव शक्तियां यहाँ आ रही है, देव मंच पर विराजमान होती है, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है।
स्मरण करते चलें। सबसे पहले श्री गणेश जी को स्मरण करेंगे। ओम अभिप्सितात् सिद्ध्यर्थम् पूजितोऽयः सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो शान्तिकार्यार्थ सिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्म सत्यलोकपितामह आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनां पतिं। वंदे सूर्यससाङ्गनवहनिलयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे स्मृता हरसिभिस्तिमसेस जन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभा ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा त्वचित्ता। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाढ्यन्धकारापहां। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। कालिकां तु कलातीतां कल्याणनिधिं शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूज्याम्यहं। विष्णुपादां च सम्भूते गंगे त्रिपतिगामिनि धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जानवी। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाध्या सरितस्तता आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मंगले सुप्रपूज्या च सप्तेता दिव्य मातरः। नागपृष्ठ समारूढं सुलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं
वास्तुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालानमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान् अस्यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया। एक खाली दोना या कोई पात्र आपके पास रखा हुआ है, उसमें ये फूल छोड़ दीजिए। सर्वदेव नमस्कारः। देव शक्तियों को नमन वंदन करते, हमारा झुकाव देवत्व की ओर होना चाहिए, सत्प्रवृत्तियों सद्गुणों की ओर होना चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, है ना, ऐसा कहते हैं ना। तुलसीदास जी ने कहा कि जहाँ सत्प्रवृत्तियाँ और सद्गुण है वहाँ सुख शांति है। हो सकता है रोटी पे अच्छा घी नहीं लगा पाते हैं, हो सकता है घर में मिठाई बहुत दिनों में बनती हो, हो सकता है सस्ते कपड़े पहन लेते हैं, है ना। इसका सुख से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। प्रवृत्तियों से, मनुष्य की प्रवृत्तियां कैसी हैं, इसीलिए देव अर्थात सत प्रवृत्तियों को धारण कीजिए। यज्ञ में तीन बातें होती है। हम बोल देंगे यज्ञ हो रहा है भाई, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है कि कुंड में अग्नि जल रही है और उसमें बहुत सारी कुछ चीजें स्वाहा स्वाहा करके घी डाल रहे हैं, कुछ चीजें डाल रहे हैं, तो उसको यज्ञ का एक हमारे को ऐसा कंसेप्ट है। लेकिन ये अग्निहोत्र यज्ञ है। यज्ञ शब्द बड़ा व्यापक है, ये यज्ञ का एक अंग है। अग्निहोत्र यज्ञ इसको हम कहते हैं, इसका अपना उपयोग है। परंतु मूल रूप से यज्ञ में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए? तीन बातें होना चाहिए। पहला है देव पूजा, दूसरा है दान और तीसरा है संगतीकरण। देव पूजा किसे कहते हैं? देव अर्थात मूल रूप में उन गुणों की पूजा करना। आप राम भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? सरस्वती, ये मूल शक्तियां हैं। इंद्र हैं, यम हैं, ये मूल शक्तियां हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इस ज्ञान विज्ञान को हमारे लिए विकसित किया, उनको हम ऋषि कहते हैं। इस ज्ञान विज्ञान को जाना और हमने, और तीसरे नंबर पे वो हैं जिन्होंने इन ज्ञान विज्ञान का प्रयोग हमको सिखाया, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण लोग। भाई हम बोलते हैं ना सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, क्या मतलब? वो है जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया, उन शक्तियों का उपयोग अपने जीवन में करके हमको उस ज्ञान को दिया। और वो महापुरुष जिन्होंने इस संस्कृति को संसार में व्यापक बनाने के लिए काम किया, जिन्होंने इनकी रक्षा की, इनका हम पूजन करते हैं। तो आप जिसका भी पूजा करते हो, आप देख लेना कि इनमें से कोई है क्या, कोई ऋषि है, कोई तपस्वी है, या मूल शक्तियां हैं, या कोई ऐसा अवतार है जिसने इन शक्तियों को काम में लेकर संसार में बड़ा भारी कोई काम कर दिया। कि रामचंद्र जी को हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा की शक्ति को जीवन में उपयोग करके उन्होंने परिवर्तन की प्रक्रिया की। कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? कृष्ण ने हमको क्या सिखाया? कर्मयोग सिखाया। कर्मयोग की शक्ति का उपयोग करके संसार का उन्होंने बड़ा कल्याण किया। तो या तो ये लोग आ गए, है ना, हनुमान जी जैसे लोग आए जिन्होंने अपने शक्ति और बुद्धि को लोक कल्याण में लगाया, और वो लोग आ गए जो इस ज्ञान विज्ञान को दुनिया तक पहुंचाते हैं, ऋषियों जैसे लोग, सदगुरु जैसे लोग। तो मूल रूप में हम गुणों का पूजन करते हैं, इसको बोलते हैं देव पूजा करना। उन गुणों को जानना, उनको जीवन में धारण करना और समाज में अधिक से अधिक उनको फैलाने का काम करना। दूसरा है दान। दान अर्थात आप दीजिए, आपके पास जो भी मिला है, आपके पास समय है, आपके पास धन है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास प्रतिभा है, आपके पास प्रभाव है, उसको संसार के कल्याण के लिए दीजिए। वो देने के लिए ही मिला है आपको। देंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? समाज की रखवाली कौन करेगा? समाज को ऊंचा कौन उठाएगा? नई पीढ़ी को ज्ञान कौन देगा? समाज में अच्छी गतिविधियाँ कैसे चलेंगी? और तीसरा है संगतीकरण। हम सब लोग आए मिलकर बैठे
और मिल बैठकर हम इन बातों पर विचार करें, हमारे जीवन की समस्या क्या है, हमारे परिवारों की दिक्कतें क्या है, हमारे समाज में क्या समस्या है, उसको हम कैसे ठीक करें। हम नहीं जान पाते तो उन ऋषियों के से बात करें, पूछें, उन पर विचार करें। संगत छद्धम संवदद्धम संवो मनासी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। सज्जन लोग क्या करें, मिले बैठे सभाएं करें, बातचीत करें और समाधान ढूंढिए। भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम साधन संपन्न हैं तो किस काम के हैं। आइए बैठिए, हमारे रहते हुए समाज में कोई समस्या है इसका मतलब ये हमारा फेलियर है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। कोई हमारे बीच का आदमी अपराधी हो गया, हमारे बीच में कोई अपराध हो गया, कोई गलत घटना हो गई गाँव में, इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उन्होंने उस व्यक्ति के समस्या का समाधान नहीं किया। आज कोई कोई लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारे बीच का ही परिवार के परिवार आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों भाई, आसपास के लोग क्या कर रहे थे। तो आप बैठिए, मिलिए, आइए, यहां पर हम बात करें। यज्ञ इसलिए होता है, राजसूय यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया, आओ मिलकर बैठो, बात करो और समाधान ढूंढिए और उस काम को इम्प्लीमेंट कीजिए। इसको बोलते हैं संगतीकरण। हमारे समाज में कोई अनपढ़ नहीं रह जाए, अनगढ़ नहीं रह जाए, दबा हुआ पिछड़ा नहीं रह जाए, गरीब नहीं रह जाए, इसके लिए हम सब काम करें। इसको बोलते हैं संगतीकरण। तीन बातें जहां पर होती उस कार्य को बोलते हैं यज्ञ। आप अग्निहोत्र करें या न करें वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो यज्ञ अपने आप में बड़ा व्यापक शब्द है। आइए हम यहाँ पर देव नमस्कार करते हैं, देव शक्तियों को नमन वंदन करते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि संहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचि पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। षोडशोपचार पूजन करते हैं देव शक्तियों को। देव शक्तियों को हमने आमंत्रित, यदि घोड़ा भगवान की कल्पना करेगा तो सुंदर घोड़े के रूप में करेगा, उसके पैरों में घुंघरू बांध देगा, उसको पंख लगा देगा और बढ़िया रंग है उसका और वो ऐसा तेज गति से उड़ता है, सारे गुण उसके अंदर कल्पना कर लेगा कि जो मेरे में नहीं है वो गुण उसके अंदर है, सर्वगुण संपन्न। तो हमने एक सर्वगुण संपन्न एक पूर्ण पुरुष के रूप में परमात्मा की कल्पना की। कल्पना से आगे बढ़ते हैं, कल्पना से सत्य की ओर बढ़ते हैं। पहले कल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है, क्योंकि सत्य को हम नहीं जान रहे तो हम उसका पहले कोई इमेजिनेशन कर लेते हैं, फिर वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसलिए हमने देवी देवताओं की मूर्तियां बना ली, सुंदर सुंदर मूर्तियां बना ली, यद्यपि वो ऐसा होता नहीं है। और वहां से हमने शुरू किया कि इसको हम यहां से आरंभ करते हैं सत्य से। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तू मुझे मछली जल की रानी करने से डॉक्टर बनेगा, हाँ अभी 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 वही करेगा, अब यहां से उसको शुरू करवाना। आप फिर चित्रों को देखकर अक्षर समझता है, शब्द बनाता है वाक्य, फिर वो चित्र गायब हो गए, रंग बिरंगी किताबें गायब हो गई, और वो बच्चा जो पहली दूसरी में KG1 KG2 में इतनी सारी किताबें इतना सारा आडंबर लेकर जाता था, खाने का डिब्बा और पानी का डिब्बा और बस्ता और फलाना और ड्रेस और ये और वो, कॉलेज में जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक किताब लेकर जा रहा है। अब उसको पढ़ाई का महत्व समझ में आ गया, अब उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, अब उसको कोई लालच देने की आवश्यकता नहीं है, अब वो समझ गया कि पढ़ाई का क्या महत्व है। इसी तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ाने के लिए ऋषियों ने हमको क कमल ख खरगोश ग गणेश से शुरुआत करवाई, समझे ना, यहां से छोटे सत्य से बड़े सत्य की ओर जाना, अल्टीमेटली हमको उस सत्य को जानना है, इसलिए यहां से शुरू करवाया कि आप एक कल्पना कर लो और उस ढंग से उसको आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे जानिए, उसको आगे बढ़ाइए, वहीं मत अटकिए।
नहीं तो हम जन्म जन्मांतरों तक कमल खरगोश ही करते रहते हैं कि कंकु चढ़ा देंगे और फूल चढ़ा देंगे और नैवेद्य लगा देंगे तो भगवान ये हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, बचपन की बात है, बचपन में ठीक है, चंदा मामा दूर के पोहे पकाए पूर के, कोई चंदा मामा नहीं, कोई पोहे नहीं पक रहा है, समझे आप। आगे बढ़िए, जानिए, उसके संपर्क में आइए, इसलिए मंदिर सुंदर बनाते, आकर्षण हो, अट्रैक्शन हो, कंसंट्रेशन हो, लेकिन जानिए कि इसके पीछे का सत्य क्या है, यात्रा का प्रारंभ है ये। तो आइए श्रद्धा भावना से हम उस परमात्मा को स्मरण करते हैं, एक एक वस्तु उनको समर्पित करते हुए अपनी श्रद्धा को उनसे जोड़ने का हम प्रयास करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। सान सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, हाथ जोड़कर नमन करते हैं उस परमात्मा को जिसकी कृपा से हमें बहुत कुछ मिला है, मनुष्य का शरीर मिला, अच्छे स्थान पर हमारा जन्म हुआ, अच्छा घर परिवार, भाई बहन, माता पिता, आगे चल के हमारा अपना अच्छा परिवार बना, ऐसे स्थान पर हम आए जहां हमको पढ़ाई लिखाई करना, कमाने खाने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश में सुख शांति है, नहीं तो सीरिया में पैदा हो गए होते, अफगानिस्तान में हो गए होते तो क्या होता। ये उसकी कृपा है, उसने हमारे लिए सूरज चांद बनाया, उसने हमारे लिए धरती बनाई, उसने हमारे लिए मिट्टी बनाई, देखो कितना दिया है उसने ना, उसने सबको भरपूर दिया है, क्या मांगना है। मुकेश अंबानी को भी उसने उतना ही दिया है जितना एक भिखारी को दिया है जो भीख मांगता है रोड पे खड़ा होकर। सबके लिए बराबर सूरज है, चांद है, सबके लिए धूप निकल रही, सबके लिए ठंड पड़ रही, सबके लिए हवा चल रही, सबके दो दो हाथ हैं, सबके दो आंख है, सबको ब्रेन है, सबको दिया है ना। अब ये तो अपनी कमी है कि हम क्या कर पाते हैं, बुद्धि दे दी, हाथ दे दिए, दुनिया दे दी, अब कीजिए आप। उसने सब कुछ हमको दिया है और आज हमको ये सहयोग मिला कि हम इस सत्कर्म में, इस देव कार्य में यहाँ बैठे हुए हैं, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, अच्छी बातों, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी बातें करना, ज्ञान चर्चा करना दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। तो सबको क्या मिल जाता है, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए, है ना, बाल बच्चे, पत्नी, धन, सुविधा साधन तो किसी को भी मिल जाता है। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी कमाल की कही कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, सत्संग अर्थात ज्ञान चर्चा जहां पर होती है। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता। तो यदि सत्संग मिल रहा है, यज्ञ करने का अवसर आ रहा है, बार बार अच्छी संगति मिल रही है, अच्छे विचारों से संपर्क हो रहा है, तो समझना उसकी कृपा है। और ये सब नहीं हो रहा है और बाकी सब चीजें मिल रही है तो थोड़ा सावधान हो जाना, कुछ गड़बड़ होने वाली है ना। इसलिए सत्संग में आए हैं, विवेक जागृत हो रहा है हमारा, यज्ञ में यहाँ बैठे हैं, उसको धन्यवाद करें और प्रार्थना करें हमें सद्बुद्धि मिले, सद्विचार मिले, हम सन्मार्ग पर चले, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हाथ जोड़कर सिर झुका करो। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादा शिशिरोरुपावहे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। स्वस्ति वाचन करते हैं आप सभी याजक दाहिने हाथ में, अच्छा चलो मानोगे नहीं आप, हाँ भाई जल्दी जल्दी कर लो यार, हमारी आवश्यकता नहीं है, हम तो स्वयं सेवक लोग हैं, क्या है, ठीक है, आप और हम एक जैसे ही हैं। हेलो 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 हेलो, सभी पधारे, हनुमंत भक्तों का और गायत्री भक्तों का स्वागत अभिनंदन। एक थोड़ा सा आपके भाई साहब हरिद्वार से पढ़ा रहे हैं और आज हमारे बीच में है तो अतिथि देवो भव की उस परंपरा को निभाते हुए इनका स्वागत सत्कार और सम्मान हम तो विठल भाई विठल से अनुरोध कि प्रमोद जी को माल्यार्पण करें। अरे माला नहीं है, केवल माला प्लीज,
तिलक लगाओ भाई विठल, तिलक लगा दो और ये पहना दो, नरोदन थार ऊपर चढ़ा। हाँ दुपट्टा के लिए मैं अनुरोध करूंगा अशोक जी, दुपट्टा पहना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। इसी कड़ी में नर नारी एक समान गायत्री का सिद्धांत है और उसी को ध्यान में रखते हुए मातृशक्ति को भी, और हमारी राजस्थान तो शूरवीरों की धरती है और इसलिए इनको भी साफा बंधवा करके ही हम स्वागत करेंगे दोनों मातृशक्ति का। तो मैं श्रीमती रुक्मणी से निवेदन करूंगा कि आके लीलावती देवी का साफा बंधवा करके स्वागत करें। इंदु बाला, इंदु कहाँ है बेटा? हम ममता जी, ममता गायत्री दुपट्टा उड़ा करके बहन लीलावती का स्वागत करें। हाँ भाई घूंघट नहीं, मैं कह रहा हूं ना नर नारी एक सबात। फोटो कटे आई थी हाँ, माला अर्पण करें, दुपट्टा लगाओ, हाँ लगा दो आराम से। हाँ भाई फोटो वाला फोटो लेना भाई, फोटोग्राफर एक उधर रह जाओ एक इधर रह जाओ। इसी कड़ी में शोभा जी का, हिंदू और दोनों यहीं रहो। अब ममता जी यहाँ रहो आप, हाँ आप साफा बंधवाओ और आप दुपट्टा पहनो। जमुना जी पधारे, जमुना जी खत्री पधारो, माला अर्पण करो। सरोज जल्दी आवे भाई, सरोज जी आवे, तिलक लगावे शोभा जी को, दुपट्टा रेखा जी सोने माला अर्पण करें। ऊपर ही रहो दो मिनट, इनके साथ फोटो खींचो आराम से, यही तो है जीवन का और क्या साथ आना। जोर, इनका क्या नाम? हाँ इसी कड़ी में महेंद्र जी, भाई नरोत्तम साफा बंधवा दे, यही बंधवा दे यहाँ। आज हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की याद आ रही है जो हमें हमेशा हमारे साथ में रहते थे और आज कोरोना से के कारण काल कल्पित हुए, तो सरवण सिंह जी जो हमारे गायत्री परिवार के एक सांचुर के आधार स्तंभ थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो आज की आहुतियों में उनके लिए भी आहुतियां लगाई जाएगी। साथ साथ में जो संस्कार करवाना चाहती जो बहिने पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और अन्य जो 16 संस्कारों में से जो कल बात हुई थी, जो भी पधारी है अपने नाम में विठल को दे देवे। हाँ उमेश भाई, उमेश आवे। कार्य वचनों का उद्घोष, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सबके लिए कल्याणकारी हो ऐसा भाव होना चाहिए। हमारे जीवन से, हमारी प्रतिभा से, हमारे धन से, हमारे साधनों से, हमारे प्रभाव से सबका कल्याण हो, ये भाव, ये परमात्मा का भाव है। परमात्मा जिस भाव से कार्य करता है उसी भाव से हम भी जीवन जिए, क्योंकि हम परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। ये भाव हमारे जीवन में सुख शांति विकसित करेगा, आनंद विकसित करेगा, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव है। हमारा स्वभाव कुछ और है और हम जब करते कुछ और हैं तो जीवन में अशांति विकसित हो जाती है, अशांति पैदा होती है। जैसे
पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दोगे या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दोगे तो क्या होगा? तो इसी प्रकार से हमारा जो आत्मा का स्वभाव है, वैसा जीवन हम जब जीते हैं तो जीवन में आनंद और प्रसन्नता आ जाती है। इसी बात को स्वस्ति वाचन के माध्यम से कहा गया। और आत्मा का स्वभाव क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग हमारे हैं और सबकी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें यहाँ पर एक्टिव हो रही है, अर्थात कोई न कोई चेतन। पयस्वती प्रति सह संतु मय्यम्मा, ओम विष्णु ललाटमसि विष्णु स्नद्रेशो विष्णु शूरसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा, ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। उसी पात्र में छोड़ दें जिसमें पूजन किया था। अब एक भाई खड़े हो जाएं, बाएं हाथ में अक्षत लेकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एक कुंड से एक भाई। रक्षा विधान का क्रम करते हैं। रक्षा विधान एक आवश्यक प्रक्रिया है। अपने आप की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, रक्षा करने की शक्ति हमको विकसित करना चाहिए। हम बहुत अच्छे हैं, देवता जैसे हैं, सबकी मदद करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन यदि हम शक्तिशाली नहीं हैं तो क्या होगा? हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो शक्ति को विकसित कीजिए, आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से अपनी रक्षा कीजिए। आंतरिक शत्रु के रूप में हमारे मनोविकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये होता है, ये बाई नेचर है, हर एक के अंदर होता है। ये कोई चीज हमारे सिर पे सवार ना हो जाए। ये चीजें जब लोभ सवार हो जाता है, काम सवार हो जाता है, तो मनुष्य ऐसे ऐसे काम करके अपने आप को पतित कर लेता है, जीवन को संकट में डाल लेता है। और दूसरे वो हैं जो बाहरी असामाजिक तत्व हैं, वो हमको हानि न पहुंचाएं, उसकी क्या तैयारी है? तैयारी होना चाहिए अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए शक्ति का संधान कीजिए। सज्जन होने के नाम पे डरपोक मत हो जाइए। अच्छे आदमी हैं सब और डरते हैं तो वो अच्छाई हमारी बेकार हो जाती है। इसलिए शक्तिशाली बनिए। ऋषि कहते हैं हमारा ये यज्ञ हो रहा है, ये इसकी रक्षा हो, यज्ञ निरंतर प्रगति करे, सत्प्रवृत्तियाँ बढ़े, समाज में अच्छे कार्य बढ़ें। आपके हाथ में अक्षत हैं, ये अक्षत आपको चार दिशाओं में फेंकना है, 10 दिशाओं में फेंकना है, चार दिशाएं, चार कोने, ऊपर और नीचे। पहले पूर्व से आरंभ करेंगे। पूर्व किस तरफ है? इधर ही पूर्व है, तो पूर्व किधर है? उधर है। अच्छा हाँ, तो आप ऐसा करेंगे कि सीधे हाथ से फेंकते चलेंगे, एक दिशा एक कोना, फिर एक दिशा फिर एक कोना, कीजिए शुरू। ओ पूर्वी रक्ष तुवारः आग्नेयं गरुड़ध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यं महेश्वरः
ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो यदो ननन्तक्ष रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत्वी सोममादिदिक् अपसरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे देवकर्म समारभे। बैठ जाएं अपने स्थान पर। अग्निस्थापनम्। अग्नि स्थापना करेंगे, दो चार अगरबत्ती ले लीजिए, थाली में रखिए। मेरे पास से ठंडा होगा ना, उसको थोड़ा सा घी में डुबा लीजिए और माचिस से जलाकर यज्ञ कुंड के अंदर बत्ती कपूर कुछ रखा होगा उसको लगा दीजिए और अगरबत्ती वहीं छोड़ दीजिए। कुंड के अंदर बत्ती या कपूर रखा है, संस्कार है क्या भाई? कुछ क्या संस्कार है? हाँ, और बताइए क्या है संस्कार? अन्नप्राशन है। चलो कहाँ है, कहाँ बैठे हैं? खीर बना के लाए हैं ना, चलिए। और वो अल्प चार पांच चीजें सब लाए हैं खीर के साथ साथ, गंगा जल, तुलसी पत्र वगैरह वगैरह सब, शहद और घी और हाँ शहद है, खीर है, घी भी यहाँ रखा हुआ है, गंगा जल थोड़ा बहुत हो तो देख दो। अभी रुकिए, अभी रुकिए जरा, अभी मत लगाइए। चलो जिन्हें लगा दिया है कोई बात नहीं, नहीं लगाया है मत लगाइए, 10 मिनट रुक जाइए, संस्कार की एक प्रक्रिया कर देते हैं, है ना, फिर करते हैं। रुकिए रुकिए, पाँच चलिए। संस्कार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमारे यहाँ होती है और संस्कार है जीवात्मा को संस्कारित करने की विधि। ये एक तरह का आध्यात्मिक उपचार है। किसी समय में हमारे यहाँ 40 संस्कार होते थे, शंकराचार्य जी के, वेद व्यास जी के समय में, तो फिर शंकराचार्य जी ने उसको 16 संस्कार बनाए, लोग इतने कर नहीं पाते। फिर गुरुदेव ने उसको 10 संस्कार, क्योंकि अब 16 संस्कार भी कोई नहीं कराते, अभी जानते ही नहीं कि 16 संस्कार होता क्या है। तो इस संस्कार की परंपरा को हमको घर में विकसित करना चाहिए। तो अन्नप्राशन का संस्कार संस्कारों के क्रम में चौथे क्रम का है। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, उसके बाद जन्म के बाद चौथा संस्कार नामकरण, और पाँचवा संस्कार होता है अन्नप्राशन। ये बच्चे को पहली बार खिलाना है कुछ, तो कैसे खिलाएँ, क्या खिलाएँ, खाने का क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन पर, इस बात का ध्यान में रख के खिलाएं। तो आप ध्यान रखें, आप लोग बैठे हैं यज्ञ के पास में, एक एक क्रम से संस्कार की विधि आप यहाँ पर करें। सबसे पहले पात्र का पूजन करते हैं, एक पात्र खाली वाला रखें, वैसे चांदी का पात्र और चांदी का चम्मच होना चाहिए, पर जो भी आपके पास है उस खाली पात्र को स्पर्श कीजिए। पात्र अच्छा हो, साफ सुथरा हो। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। बोलिए ओम सुपात्रताम प्रदास्यामि। शिशु में सुपात्रता का विकास करेंगे, उस पात्र का बाहर बाहर पूजन कर दीजिए ना। अब अन्न का संस्कार करेंगे, एक एक चीजें इसमें मिलाते चलेंगे। हाँ, थोड़ा उसमें खीर डालिए, उस एक अलग एक पात्र में खीर डालिए थोड़ी उसमें। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिश संतु मह्यम। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए। ओम मधुवाता रितायते मधुक्षरंति सिंधवः माध्वीर्न संतोषधीः ओम मधुनक्त मुतोषशो मधुमत् पार्थिव ग्वंग्रजः मधुदेवरस्तु नः पिता ओम मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः
माधवीर्गावो भवन्तु नः। अब थोड़ा इसमें दो बूंद घी डालिए। ओम घृतम घृत पावान पिबत वसाम वसा पावान पिबतांतरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। थोड़ा उसमें जल डालिए। ओम पंच नद्या सरस्वती मपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत सरिता। अब इस पात्र को ढक के वहां पर रख लीजिए। अन्न का प्रभाव होता है, शंकराचार्य जी ने कहा जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जो भी कुछ हम ग्रहण करें वो शुद्ध हो और संस्कारित हो, ऐसा अन्न हमारे शरीर और मन को अच्छा रहता है, सुपाच्य हो, संस्कारित भोजन करें। ध्यान रखें बच्चा कोरा कागज होता है तो उसको क्या भी खिलाएं तो उसका प्रभाव अंत में मन बनता है। जो भी हम कुछ खाते हैं तो अंत में उसका प्रभाव मन पर होता है। स्थूल शरीर स्थूल पदार्थ बनाता है और सूक्ष्म संस्कार हमारे मन को बनाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम हर किसी के हाथ का नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? समस्या ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कैसा है, समस्या ये है कि उसका चिंतन चरित्र जैसा भी है वो खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है और वो हमें मिलता है। तो अनजान व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति, पता नहीं कैसा विचार है, कैसे इसके कर्म है, क्या सोचता है, तो खाद्य पदार्थ जल आदि के माध्यम से वो संस्कार हमारे अंदर पहुँचते हैं। इसलिए छोटे बच्चे को इन बातों से बचाना चाहिए, बाजार की चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए। अपने हाथ से प्रेम से बनाकर श्रद्धापूर्वक यदि आप भोजन कराएंगे सुपाच्य भोजन तो बच्चे का शरीर अच्छा बनेगा और मन अच्छा बनेगा। चलिए अग्नि स्थापना करें, यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापना करें। ओम पूर्वः स्वर्द्योरिव भुम्ना पृथ्वीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे अग्निमनादमनाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित होने दें, है ना, टाइम दीजिए, हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लकड़ी नहीं लगाना है, कम से कम लकड़ी लगाइए, क्योंकि तेज अग्नि होगी तो लकड़ी भी सविता
ऋग्वेद का पहला मंत्र होता है अग्नि मीले पुरोहितम। हे अग्नि, आप हमारे पुरोहित हो। जब सबसे पहले पहले कोई हमको बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, ज्ञान का विकास नहीं हुआ था, तो हमने किससे सीखा? हमने अग्नि से सीखा। अग्नि से हमने सीखा हमेशा ऊंचे उठो, नीचे मत गिरो। लोभ के कारण, भय के कारण कोई ऐसा काम न करो कि आप नीचे गिरो अपनी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में। इसलिए ऊंचे उठो, पवित्र बनो। अग्नि ने हमको सिखाया प्रकाशवान बनो, ज्ञान प्रकाश। अग्नि ने हमको सिखाया प्रचंड प्रखर तेजस्वी जीवन जियो, दबा हुआ डरा हुआ जीवन मत जियो, कन्फ्यूजन का जीवन मत जियो, इस पार या उस पार का जीवन जियो, तेजस्वी। दुनिया रावण को याद रखती है, राम को याद रखती है ना? क्योंकि संशय नहीं होना चाहिए, संशय मनुष्य को पतित करता है। हाँ साहब, बात तो अच्छी है, होना तो चाहिए, करना तो चाहिए, लेकिन करेगा कौन? परंतु उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। और मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन उसको मैं छोड़ नहीं पाता हूं, यह स्थिति दुर्गति कराने वाली होती है। इसलिए अग्नि हमसे कहती है कि आप सत्य की खोज कीजिए और जो सत्य है उस मार्ग पर चल पड़िए, किसी की परवाह मत कीजिए, तो आप अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। संशय विषाद, संशयात्मा प्रणश्यति। तो अग्नि हमको ये सिखाती है कि तेजस्वी जीवन जिए, और अग्नि हमको ये सिखाती है ऊंचा उठने वाला जीवन जिए। ऐसी अग्नि को हम प्रणाम करते हैं, इसलिए बार बार अग्नि के फेरे लेते हैं, बार बार अग्नि को दीपक के रूप में रखते हैं, अगरबत्ती के रूप में रखते हैं। अग्नि के दो गुण होते हैं, अग्नि में जो भी चीज़ आप डालेंगे उसके प्रभाव को बढ़ा देगी और फैलाव को बढ़ा देगी। अग्नि में कोई चीज़ डालते इसकी सुगंध सब तरफ फैलने लगती है, दुर्गंध फैलने लगती है, प्रभाव बढ़ जाता है। एक चम्मच घी देसी गाय का जलाने पर 3 टन ऑक्सीजन बनती है, ये अग्नि का प्रभाव है। ये जो हवन सामग्री आप जला रहे हैं, इसमें इसमें कम से कम 15-20 तरह की जड़ी बूटियां हैं, आंवला है, नागरमोथा है, बेलपत्र है, दालचीनी, ऐसी बहुत सारी ये औषधियां हैं। अग्नि में जलेंगी, इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगी, सबको सांस में मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। इसलिए यज्ञ से चिकित्सा भी होती है। तो यज्ञ की अग्नि क्या, तो अग्नि क्या करती है कि चीजों को बढ़ा देती रहेगी, परिवार में मेल मिलाप बढ़ेगा, सुख शांति बढ़ेगी, ये यज्ञ का प्रभाव है। तो यज्ञ की अग्नि का ये प्रभाव है। आइए, ऐसी अग्नि को हमने यहाँ आवाहन किया, नमन वंदन किया, अब हम इस अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। अग्नि प्रचंड होना चाहिए, जीवन की आग प्रचंड होना चाहिए। धुआं निकालती हुई आग एक वर्ष तक जलती रहे तो उसका क्या उपयोग है? धुआं निकल रहा है, आंखों में लग रहा है, दुर्गंध फैल रही है। ज्वाला युक्त प्रज्वलन 5 मिनट का भी काम का होता है। जीवन कितना लंबा जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, 100 साल जिए कि 200 साल जिए, अपने जीवन में क्या काम आपने करके दिखाया। धरती पे आए हो तो पता पड़ना चाहिए कोई आया है, चुपचाप आए, चुपचाप चले गए, पता ही नहीं पड़ा। परमात्मा ने किस लिए भेजा है? कुछ काम करने के लिए भेजा है, कुछ काम करके दिखाइए, अग्नि कहती है। तो आइए, अग्नि को हवा देते हैं और अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। स्वाग्ने प्रति जागृही त्वमिष्टा पूर्ते सर्वं सिजेथा वयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानच्च सीदत समिधानम्। 4 छोटी लकड़ियां आपके पास रखी हुई है, एक उठाएंगे और उसको बीच में से पकड़िए, ऐसा देख लीजिए इधर, ऐसा बीच में से पकड़ेंगे। हाँ, यदि ज्यादा लोग बैठे हैं तो आपस में बांट भी सकते हैं, पर ध्यान रखना एक बार में एक ही जन करेंगे।
सब एक साथ नहीं कर देंगे, चार मंत्र बोलेंगे, एक मंत्र पर एक आहुति करना है। समिधा को हाथ में ले, दोनों तरफ से घी में डुबा लीजिए, है ना। मंत्र के बाद स्वाहा बोलेंगे, तब यज्ञ कुंड में समर्पित करेंगे। ओम अयंतैग्ने आत्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुर्भिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाधेन समेधया स्वाहा इदमग्ने जात वेदसे इदं नमामि। ओम समिदाग्निम् दुवस्यत घृते बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या ज्योतना स्वाहा इदम् अग्ने इदम् न मम। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम् तीव्रम् ज्योतना अग्ने जात वेदसे स्वाहा इदम् अग्ने जात वेदसे इदम् न मम। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो कृतेन वर्धयामसि बृहस्सोचाय विष्टय स्वाहा इदम् अग्ने अंगिरसे इदम् न मम। जल प्रसेचनम्। प्रोक्षणी पात्र लेकर खड़े हो जाइए। लकड़ी का एक छोटा चम्मच है, चम्मच जैसे दो पात्र हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटा वाला पात्र लेकर खड़े हो जाएं। इसमें जल ले लीजिए, जल है उसमें भरा हुआ, ठीक बात है। अब ये जल आपको यज्ञ कुंड के बाहर जिस दिशा में कहें उस दिशा में गिराना है, है ना। इसको बोलते हैं जल प्रसेचन। अग्नि और जल का युग्म है, जल अग्नि को बुझाता है, अग्नि जल को सुखाती है, फिर भी दोनों का होना आवश्यक है। तो संतुलन से जीवन चलता है। क्या क्या संतुलन होना चाहिए जीवन में? चार तरह के संतुलन हैं। देखिए सब बातें हमको बता दी गई है, समाधान हो जाना चाहिए। समाधान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उनको पढ़ते नहीं, उनको सीखते नहीं। हमको लगता है कि केवल विधियां करेंगे। विधि का प्रभाव 20% है, सीखने का प्रभाव 80% है। चार प्रकार के संतुलन हैं। पहला है पुरुषार्थ और संतोष। जीवन में आगे बढ़िए, खूब काम कीजिए, खूब प्रगति कीजिए और नए नए लक्ष्य बनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जिस स्थिति में है उसमें आनंद मनाइए, दुखी मत रहिए, उद्विग्न मत रहिए, ये नहीं मिला, ये नहीं बने, ये हो जाती परीक्षा में पास होते तो ऐसा हो जाता, ये बन जाते कलेक्टर बन जाते तो अच्छा हुआ, कलेक्टर नहीं बने, अब दुखी रहे, मुँह लटका के घूम रहे, टेंशन में आ गए, सुसाइड कर लेंगे साहब, जिंदगी बेकार हो गई, अब तो कुछ मिला नहीं। नहीं, जो लोग अनपढ़ हैं वो भी जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो क्या करना है? आगे बढ़िए खूब, लेकिन जिस स्थिति में आज है आनंद मनाइए, परमात्मा की कृपा मानिए। दूसरा है मधुरता और कठोरता। स्वभाव हमारा कैसा होता है? कभी कभी मधुर, कभी कभी कठोर। केवल कठोर कठोर बने रहेंगे, हर बात में गुस्सा आता है, हर बात में फेंक फांक करते हैं तो कोई आपका मित्र नहीं बनेगा, अरे यार उसका दिमाग ठीक नहीं रहता। और हमेशा मधुर मधुर बने रहेंगे तो क्या होगा? आप ठगे जाओगे कि आदमी नहीं नहीं कह पाता, कोई भी आपको काम मिलेगा, कोई भी आपको यूज करेगा। तो हमेशा मधुर न रहें, हमेशा कठोर न रहें, संतुलन बना के रखें। तीसरा जो संतुलन है वह उपार्जन और त्याग। उपार्जन, धन कमाइए, खूब धन कमाइए नीति पूर्वक। शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीर, वेद कहता है 100 हाथों से कमाइए और 1000 हाथों से बांटिए। संग्रह की प्रवृत्ति मत रखिए, खूब कमाइए और खूब उसको अच्छे कामों में लगाइए, आपको जीवन में सुख शांति यश कीर्ति संतोष सब कुछ मिलेगा। और चौथा संतुलन है क्रांति और शांति। क्रांति अर्थात परिवर्तन। अच्छे अच्छे विचार लीजिए, सीखिए क्या अच्छा है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, परिवर्तन करते चलिए। परंपरावादी रूढ़िवादी मत बनिए, जो उपयोगी उसको रखिए, जिसका उपयोग नहीं उस विचार को छोड़ दीजिए। इससे आपका जीवन संतुलित बनेगा। आइए इसी संतुलन को जीवन में धारण करने की भाव के साथ हम जल प्रसेचन करते हैं। 7 आहुति घी से करेंगे। सुरुवा पात्र रखा हुआ है, एक गोल मुंह वाला पात्र रखा हुआ है, उसमें गड्ढा बना है, इसको चम्मच की तरह से उपयोग करना है। भैया घी कम हो तो और डाल दो, जरा अच्छे से डूबना चाहिए पात्र, है ना, थोड़ा आधी कटोरी से ज्यादा घी डालिए।
तो श्रुवा पात्र है, उसको हाथ में लेंगे, पकड़ेंगे पेन के जैसा, ऐसा पकड़ेंगे, उससे घी लेकर आहुति डालना है यज्ञ कुंड में। फिर एक प्रणीता पात्र है, लकड़ी का चौकोर पात्र है, उसमें जल भरकर अपने सामने रख लीजिए। आहुति डालने के बाद एक बूंद घी उस जल में गिराइए ऊपर से। आहुति डालने के बाद एक बूंद घी उस जल में ऊपर से गिराएंगे। इस प्रकार से घी की 7 आहुति होगी। अभी और कोई आहुति न डालेंगे। चलें प्रारंभ करते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमामः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमामः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमामः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमामः। ओम भूस्वाहा, इदं अग्नये इदं नमामः। ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे इदं नमामः। ओम स्वाहा स्वाहा, इदं सूर्याय इदं नमामः। गायत्री मंत्राहुति। गायत्री मंत्र से आहुतियां होंगी। एक आहुति घी की चलने दें। अब जल में घी नहीं गिराना है। शेष सभी आपके सामने दोने में साकल्य रखा हुआ है, हमन सामग्री। बीच की 2 अंगुली और अंगूठे के सहारे उठाइए और यज्ञ कुंड में गिराएंगे अंगूठे से धकाकर, जैसे छोटे बच्चे के मुंह में खाना खिलाते हैं। गायत्री मंत्र आप सभी हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे। जिनको नहीं बोलते आता वो भी सीखने का प्रयास करें। बोले यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः विशेष आहुति करेंगे। यज्ञ के साथ बहुत सारे प्रयोग जुड़े हुए हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हरिद्वार में एक प्रयोगशाला की स्थापना की 1979 में। उस प्रयोगशाला में उन्होंने उन ऋषि वाक्यों का, उन तथ्यों का प्रयोग परीक्षण किया कि मंत्रों का क्या प्रभाव होता है, यज्ञ का क्या प्रभाव होता है, कौन सी लकड़ी से, कौन सी सामग्री से, किस मंत्र से यज्ञ करने पर व्यक्ति के शरीर पर, मन पर, स्वास्थ्य पर, वातावरण पर, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उस पर बहुत सारे प्रयोग किए गए और उसी प्रयोग के आधार पर ये यज्ञ पद्धति विकसित की गई जो आप कर रहे हैं यहाँ पर। ये और कहीं आपको शायद न मिले, केवल गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में मिलती है। लाखों लोग इसको अपने जीवन में अपना चुके हैं और इसी के आधार पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में बनाया गया, जहां पर इन प्रयोग परीक्षणों के आधार पर भारतीय संस्कृति के ज्ञान और विज्ञान का वैज्ञानिक शिक्षण प्रशिक्षण पठन पाठन वहाँ पर होता है। अभी आप देख लें dsvb.org की वेबसाइट खोलकर आपको डिटेल मिलेगा। तो समय समय पर जो प्रयोग होते हैं वैसा शांति कुंज से सारे देश में, विश्व में आहुतियों करने के लिए निर्देश किया जाता है कि इस समय हमको कौन सी आहुतियां करना चाहिए। उस आधार पर भारत में फैले हुए लाखों लोग, लाखों जगह यज्ञ जो हो रहा है उसमें आहुतियां होती है और उसका प्रभाव वातावरण पर देखा जाता है।
क्योंकि गायत्री परिवार सारी दुनिया में फैला है, लगभग 125 देशों तक पहुंचा हुआ है और भारत में करोड़ों इसके साधक हैं जो नियमित रूप से यज्ञ आहुति इत्यादि करते हैं। तो लगभग 1,00,000 यज्ञ रोज हो जाते हैं गायत्री परिवार के माध्यम से इस भारत भूमि पर। इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है और इन यज्ञों का प्रभाव सारे विश्व में एक वातावरण को बदल रहा है। तो आइए हम भी उसी प्रयोग परीक्षणों का लाभ लें। अनिष्ट निवारण के लिए विशेष आहुति करते हैं, भगवान रुद्र को समर्पित करते हैं। अब आप ये विशेष आहुतियाँ करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय धाम्ना मम। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय धाम्ना मम। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय धाम्ना मम। यज्ञ की शक्ति का प्रयोग पिछले दिनों किया गया। एक बड़ी बीमारी आई हमारे यहाँ और उससे देश की बड़ी क्षति हुई तो है, लेकिन फिर भी दुनिया के लोगों ने जो उसका अनुमान लगाया था वैसी नहीं हुई। कि दुनिया के लोगों ने कहा कि भारत के पास न तो इतने हॉस्पिटल हैं, न इतना स्टाफ है, न इतनी दवाएं हैं, गरीब देश है, तो यहाँ कम से कम 5-6 करोड़ लोग मरेंगे, ऐसा लोगों को उम्मीद थी, और कम से कम 70-80 करोड़ लोग इन्फेक्टेड होंगे। लेकिन क्या हुआ कि जिन देशों ने वायरस बनाया वो अभी तक उलझे हुए हैं, हम लोग इससे निपट लिए। और जितनी जनसंख्या है 140 करोड़ से अधिक, उसको देखते हुए हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा हानि नहीं हुई, कैजुअल्टी नहीं हुई। उसका क्या कारण है कि हमारे पास धर्म की शक्ति है, बाकी दुनिया में केवल सरकार की शक्ति है। हमारे पास 3 तरह की शक्तियां हैं, धर्म की शक्ति है, समाज की शक्ति और फिर राज्य की शक्ति है। राज्य की शक्ति हमारे यहाँ 3रे नंबर पर आती है। तो धर्म की शक्ति हमारे पास है, लाखों मंदिर हैं जहाँ नियमित रूप से मंत्रोच्चार वगैरह अभिषेक वगैरह सब हो रहे हैं, लाखों की संख्या में यज्ञ हो रहे हैं। गायत्री परिवार इस धरती पर 1,00,000 यज्ञ रोज कर देता है। अभी आप जो बैठे हैं आप कहोगे 9 कुंड के यज्ञ में बैठे, नहीं नहीं, आप समझो 1,00,000 कुंड के यज्ञ में बैठे हैं, क्योंकि इस समय धरती पर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं कम से कम 1,00,000 कुंड यज्ञ हो रहा है और आपको उसकी ऊर्जा मिल रही है और आपकी ऊर्जा। और 26 मई के बाद कोरोना का ग्राफ नीचे गिरने लगा और 15 जून तक हम उससे बाहर हो गए, खतरे से बाहर हो गए। तो ये एक बड़ी भारी आध्यात्मिक शक्ति है, इसका प्रयोग किया। तो ये विशेष आहुतियाँ करवाई गई और ये विशेष आहुतियाँ हमको कहाँ से मिली? अथर्व वेद से मिली। अथर्व वेद में कोरोना जैसे वायरल जीवाणुओं से पैदा होने वाली बीमारियों का और कोरोना जैसे वायरस को नष्ट करने का मंत्र है, विधियाँ हैं, अथर्व वेद में लिखा हुआ है, हम उसी का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। आइए विशेष आहुति एक एक करें। अब वो समय निकल चुका है परंतु अब हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई, अब हमारी शक्ति बहुत आ गई, अब कोई चीज़ हमको प्रभावित नहीं करेगी। चलिए यहाँ से मंत्र बोलते हैं, आप आहुति करेंगे कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। ओम उदन्नादित्यः कृमीन हंतु निम्नोचन हंतु रश्मिभिः ये अन्तः कृमयो गवी स्वाहा इदम् आदित्य गणेभ्य इदम् नमः। ओम उदन् ओम शीर्षक्तम शीर्षामयम कर्णशूलम विलोहितम सर्वम शीर्षण्यम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वेर्मा देवे हे पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वानराय इदम नमः। सबके रोग शोक कष्ट निवारण के लिए विशेष आहुति करेंगे। और जिस बच्चे का संस्कार हुआ है ना, क्या हुआ है, अन्नप्राशन संस्कार, तो अन्नप्राशन संस्कार के लिए उसके जो माता पिता बैठे हैं विशेष आहुति करेंगे कि 5 आहुतियाँ यज्ञ अग्नि में डालिए, फिर वो भोजन सबको दीजिए।
ये प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। ओम देवीं वाचम जनयंत देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मंद्रेश मूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतयतु स्वाहा इदं वाचे इदं नमम। ओम देवीं वाचम जनयंत देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मंद्रेश मूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतयतु स्वाहा इदं वाचे इदं नमम। ओम देवीं वाचम जनयंत देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मंद्रेश मूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतयतु स्वाहा इदं वाचे इदं नमम। ओम देवीं वाचम जनयंत देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मंद्रेश मूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतयतु स्वाहा इदं वाचे इदं नमम। ओम देवीं वाचम जनयंत देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मंद्रेश मूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतयतु स्वाहा इदं वाचे इदं नमम। अब ये खीर थोड़ी सी बालक को खिलाइए। छह महीने का हो गया है ना, ये कितने महीने का हो गया? हाँ, छह सात महीने के आसपास अन्न प्राशन कराते हैं, थोड़ा सा उसको खिलाइए प्रसाद के रूप में। ओम अन्नपते नस्य नो देह नमीवस्य सुष्मिणः प्रपदातारं तारीश ऊर्जं नो देहि दीपदे चतुष्पदे। चलें साहब, अब सबके रोग शोक कष्ट निवारण के लिए विशेष आहुति, जिनके जन्म दिवस है उनके उज्जवल भविष्य की कामना, जिनके विवाह दिवस आ रहे हों आज दो चार दिन में उनके उज्जवल भविष्य और सखी सफल दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए विशेष आहुति। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवदनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवदनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। विशेषाहुति हमारे एक बहुत प्रिय परिजन जो उस समय में जो रोग फैला था उसमें उनका देहावसान हुआ, उनकी आत्मा की सद्गति शांति के लिए श्री श्रवण कुमार जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता साधक व्यक्ति रहे। परमात्मा की लीला है, प्रत्येक जीव संसार में आता है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार उसका जीवन चलता है। हम अपनी ओर से उनकी शांति सद्गति की प्रार्थना करते हुए विशेष आहुति करते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जया इदं न मम। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जया इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जया इदं न मम। यज्ञ की पहली पारी यहाँ समाप्त होती है। जिन परिजनों ने यज्ञ कर लिया है, आहुति दे ली है, अपने स्थान से उठेंगे, नए याजकों के लिए स्थान खाली करेंगे। अभी आपको घर नहीं जाना है, पूर्णाहुति होगी, आरती होगी, उसके बाद घर जाना है। अभी आप थोड़ा हाँ पांडाल में बैठें, थोड़ा घूम फिर लें, आइए। और जो परिजन यज्ञ के लिए यहाँ पधारे हैं, यज्ञ कुंड में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हे ऋत्विज होताओ आओ आओ यज्ञ करो, यश कामी श्रोताओ
बहनों ने अभी यज्ञ किया है वो पीछे जहाँ जगह है वहां पर विराजे। चाहते हैं ये दूसरी पारी है तो आप पधारें और जहां पर जगह है वहां पर बैठ सकते हैं। ये दूसरी पारी है और अंतिम पारी है। चलिए जो नए परिजन बैठे हैं ध्यान दें, पवित्रीकरण करेंगे। जल आपके सामने रखा हुआ है, बाएं हाथ में जल ले लीजिए उल्टे हाथ में और सीधे हाथ से उसको ढक लीजिए। मंत्र के बाद अपने सिर पर शरीर पर जल छिड़केंगे, पवित्र बने ऐसा भाव करते हुए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो भिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात्। सभी को चंदन तिलक करें। थाली में कुमकुम रखा हुआ है, आगे बढ़ाते चलें, एक दूसरे को तिलक करें। सभी माता बहने प्रसाद लेकर के पूर्णाहुति के बाद में प्रसाद हो गया भोजन प्रसाद लेकर के जाएंगे, इसीलिए आराम से बिराजे। और सूत्र बांध दीजिए हाथ, मौली रखी है। विवाहित बहनों को बाएं हाथ में और सभी जन दाहिने हाथ में बंधवाएं, तिलक लगाएं और सूत्र बांधे, मौली बांधे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीं तिष्ठति सर्वदा। ओम रतेन दीक्षां आप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धां आप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।
ये आपके शरीर के अंदर औषधियां पहुंच रही है और यज्ञ की अग्नि का जो ताप लगता है ना हमारे शरीर को, वो भी शरीर का शोधन करता है। इसीलिए यज्ञशाला बनाई जाती, खुले में यज्ञ नहीं करते, ताकि जो यज्ञ का प्रभाव है वो कुछ समय यहाँ रुका रहे और बैठने वालों को मिले, नहीं तो खुले में करेंगे तो अग्नि के साथ वो प्रभाव जल्दी दूर चला जाएगा। तो कुछ समय यहाँ रुके, धीरे धीरे फैले, तो हमको यहाँ बैठे हैं तो हमको लाभ मिले। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार ने यज्ञ चिकित्सा पर प्रयोग किए हैं और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्री बनाई है और उसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। उस हवन सामग्री से 40 दिन तक यज्ञ करने से रोगी को लाभ होता है। तो यज्ञ का बड़ा प्रभाव है भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। आइए, ऐसा दिव्य यज्ञ हम यहाँ करने आज बैठे हैं, सौभाग्य हमारा। बोले यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुति उन सभी की शांति और सद्गति के लिए जिनका पिछले कोरोना के समय में जिनकी मृत्यु हुई इस रोग के कारण, बड़ी दुखद परिस्थितियां हम सब ने झेली है, अपने परिजनों को खोया है, अपने गांव में अपने क्षेत्र में जो भी परिजनों की इस रोग के कारण देहावसान हुआ, उन सब की शांति और सद्गति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको सद्गति मिले, शांति मिले, उनका भविष्य उज्ज्वल बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए विशेष आहुतियाँ करते हैं महामृत्युंजय मंत्र से। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जया इदं नाम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जया इदं नाम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जया इदं नाम। चले भाई, और कोई है? ये बच्चों ने सबने यज्ञ कर लिया, बहुत देर से बैठे हैं, एक बार बच्चों को बिठा दो भाई, बहुत देर से बैठे हुए हैं। हाँ, जिन परिजनों ने आहुति कर ली है अपने स्थान से उठेंगे, नए याजकों के लिए स्थान खाली करेंगे। हाँ आओ भाई, बच्चों को बैठाओ, ये बच्चे सीखेंगे, है ना? बैठाओ सबको एक बार। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता, पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता, वैसे ही गुरुदेव का दर्शन मानव दुख हर लेता। बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ। सभी बच्चों को तिलक कर दें और हाथ में सूत्र बांध दें, मौली कलावा बांध दीजिए दाहिने हाथ में, सब बच्चों को दाहिने हाथ में बांधिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी इन कामों को करे, सीखे, इनके संस्कार बनेंगे। चलें ओम। हाँ, बच्चों के ऊपर जल का पात्र ले लीजिए और उसमें फूल डुबाकर सब बच्चों के ऊपर जल का सिंचन कर दें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मरेत् पुनरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुनरीकाक्षः पुनात् पुनरीकाक्षः पुनातु। चलिए अब गायत्री मंत्र से आहुति करना है, ठीक है? सारे बच्चे बेटा समझ गए कैसे करना है? देखो, ऐसा हिरण बनाओगे, हिरण बनाते हैं ना ऐसा, हाँ ऐसा चिमटी भर के उठाना और ऐसा करके डालना अंगूठे से, है ना, दूर से नहीं फेंकना, ठीक है? यज्ञ में, यज्ञ कुंड के पास हाथ ले जाके हवन सामग्री कुंड में गिरना चाहिए, ठीक है? चलिए गायत्री मंत्र सब बच्चे हमारे साथ साथ बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
दयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओं भूर्भुवः महामृत्युंजय मंत्राहुतिः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम ॐ इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा हाँ भाई, अब शिष्टकृत आहुति होगी। सुरुचि पात्र है ना, लकड़ी का एक बड़ा चम्मच है, उसमें मीठा रख लीजिए। अभी आपको लाकर दिया है ना मिठाई, वो रख लीजिए, प्रसाद है वो उसमें रख लीजिए। थोड़ा घी डाल लीजिए, लगाओ ना नन्हे बच्चे। हाँ रखे रखे हैं जी। नन्हे बच्चों प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों नन्हे बच्चों आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो, दुनिया की तस्वीर हो। नन्हे बच्चों प्यारे बच्चों, सभी जन नहीं करेंगे। ओम वो मिठाई क्या होती करना है आपको, मिठाई कही थी हमने सुरुचि पात्र में, मिठाई क्या होती सुरुचि पात्र में, लकड़ी का बड़ा चम्मच है उसमें लीजिए, थोड़ा घी डालिए, एक या होती। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचम यद्वानुनुमिहाकरम अग्निष्ट स्विष्टकित विद्या सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्व प्रायचिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वानः
कामान समादया स्वाहा इदम अग्ने स्विष्टकते इदम नामामा पुणा होती ही। एक एक चिमटी हवन सामग्री हाथ में ले लें और खड़े हो जाएं। यदि नारियल का गोला वगैरह है तो वो भी ले लीजिए हाथ में, नारियल का गोला सुपारी हो तो ले लें। गोले में छेद जरूर कर लें, पूरा गोला नहीं डालें, थोड़ा उसको छेद कर लें ऊपर से, चम्मच से किसी से थोड़ा काट लीजिए, छेद कर लीजिए। साबुत गोला ना डालें, फटने का डर रहता है। एक एक चिमटी हवन सामग्री लेंगे, एक ही बार आहुति डालेंगे, बार बार नहीं डालेंगे। गोला सुपारी जो भी है वो भी एक ही बार डाल दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णास्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रिनावः इसमुजग्व सतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम एक आहुति डालें। बच्चों का ध्यान रखें, थोड़ा पीछे हटो बेटा, कुंड में अग्नि तेज है और कुंड गर्म हो रहा है ना। अब घी की धार बनाकर गिराएंगे। सुरुचि पात्र लकड़ी का बड़ा चम्मच है उसको उठा लीजिए और घी का पात्र उठा लीजिए। हाँ, अपनी धर्म पत्नी को घी का पात्र दे दीजिए। आप सुरुचि पात्र उठा लें और उसमें घी भरेंगे और घी की धार बनाकर यज्ञ कुंड में गिराएंगे मंत्र के साथ साथ, है ना। कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए, अच्छे कामों में हमेशा लगे रहिए। हमेशा अच्छे कामों में जुड़े रहेंगे तो कुछ उपलब्धि हो जाएगी। कभी कभार कुछ कर लिया, कभी कभार कोई पूजा पाठ कर ली, कभी कभार कोई त्यौहार मना लिया, उसका प्रभाव स्थायी नहीं रहता है। ये यज्ञ की परंपरा को घर घर तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, धार बनाकर गिराइए। ओम वसो पवित्रमसि सतधार वसो पवित्रमसि सहस्रधार देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुक्ष्मा कामदुक्षः स्वाहा। ठीक है, जितना बचता है तो बचने दीजिए, कोई बात नहीं। निराजनम आरती। थाली में दीपक रखा है, बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित कर लें। एक जल का पात्र रखें थाली में, बत्ती वाला दीपक थाली में है प्रज्वलित कर लें। एक जल का पात्र रखिए थाली में और थाली उठा लीजिए। आरती होगी, अपने स्थान पर खड़े खड़े आरती करें। हेलो। ओम यम ब्रह्म वेदा कविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारण वीश्वरं वा तस्मै नमो वे नमिनासनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वैदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता जयति जय रूपिणी प्रणत पालिनी जगत दात्री अम्बे
कपूर रखा हुआ है थाली में, एक दीपक में मिट्टी के दिए में कपूर रखा है। हेलो, हो तो जला लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम रुद्रगेन्द्रहारम अब ये आरती की थाली सबके पास पहुंचाइए। आप आरती ले लें और इस जल में अपनी अंगुलियां डुबा लें, दोनों हथेलियों में लगा के यज्ञ कुंड की तरफ दिखाइए। हाँ, दीपक वाली थाली पहुंचाइए सब तक, आगे बढ़ाइए उसको और आरती ले लें।
पाए तो कोई बात नहीं, आप उनको एक अच्छी विचारधारा से जोड़ दीजिए, ये आप उनके लिए सबसे बड़ा काम करेंगे तो उनका जीवन सुखी हो जाएगा। शांति कुंज आश्रम में सारी व्यवस्था, जाइए awgp.org को आप देखिए, इंटरनेट पर खोलिए, आपको सारी गतिविधियां मिलेगी। अपने घर में अच्छा साहित्य रखिए, आधा घंटा अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत डालिए, आप गीता पढ़िए, आप विवेक, टाइम निकल गया, लाइए मुख्य कलश का जल ले लें, सभी के ऊपर जल का सिंचन करें। कलश जो देवमन यज्ञशाला में रखा होता है अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा को धारण करता है, उस ऊर्जा को हम ग्रहण करें, सभी धारण करें, देवत्व से उनकी पवित्रता, देवताओं से उनकी पवित्रता और देवत्व हम सबको मिले, इस भाव से शांति अभिसिंचन। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वानिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ्यदान, जिस प्रकार से नीचे की ओर बहने वाला जल सूर्य की गर्मी पाकर ऊंचा उठने लगता है, भाप बनता है, बादल बन जाता है, परमात्मा का सानिध्य पाकर हम भी ऊंचे उठें, भगवान के पास बैठे तो क्या हो गया, हमारा चिंतन चरित्र आचरण व्यवहार शुद्ध बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए, ये हमको उससे मिलता है। हाथ जोड़ें सूर्य भगवान को। ओम सूर्यदेव सहस्रासो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मा भक्त्या गृहाणार्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातिकृतानि च तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भावे उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋषाए सत्य को धारण करे, हर समय हो सारे सागर से तरे। बैठे रहो भाई, बैठे रहो, किसी खड़ा नहीं करना, बैठा रखो, बैठा रखो, कोई खड़ा नहीं होगा। अगले दिनों हम एक बड़ा परिवर्तन सारे विश्व में देखने जा रहे हैं, तो परिवर्तन का आधार क्या होगा, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में। युग ऋषि ने उसके 18 सूत्र दिए हैं, इन सूत्रों को जो पालन करेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि सारे विश्व में एक ही धर्म होगा,
पूजा पद्धतियां अलग अलग हो सकती है लेकिन धर्म एक होगा। धर्म अर्थात एक तरह का माइंड सेटअप होगा कि मनुष्य जीवन किस बात को आधार बनाकर जिएगा वो एक जैसा होगा। उसके लिए उन्होंने ये सूत्र दिए हैं, यहां से मैं बोलता हूं आप उसको दोहराएंगे। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हम ईश्वर को सर्वव्यापी, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को, उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम, आत्मसंयम और नियमितता द्वारा, और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से, और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए स्वाध्याय, स्वाध्याय एवं सत्संग की, एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे, व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, अर्थ संयम, समय संयम, समय संयम और विचार संयम का, और विचार संयम का सतत अभ्यास रखेंगे, सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे, एक अभिन्न अंग मानेंगे, सबके हित में, और सबके हित में अपना हित समझेंगे, अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे, और समाज निष्ठ बने रहेंगे। थोड़ी इनकी भी आवाज आने दो यार, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। समझदारी, समझदारी, ईमानदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को, और बहादुरी को जीवन का एक, जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे, अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, स्वच्छता, सादगी, सादगी एवं सज्जनता का, एवं सज्जनता का वातावरण, वातावरण उत्पन्न करेंगे, उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा, सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए, नीति पर चलते हुए असफलता को, असफलता को शिरोधार्य करेंगे, शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी, मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, उसकी सफलताओं योग्यताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, एवं विभूतियों को नहीं उसके सद्विचारों, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे, और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे, वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें, जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे, पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में, संसार में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति, एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे। जाति, जाति लिंग, लिंग भाषा, भाषा प्रांत, प्रांत संप्रदाय आदि के कारण, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई, परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे, भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि, हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे, हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा, तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है, हमारा परिपूर्ण विश्वास है। अब विसर्जन करते हैं, थोड़े थोड़े अक्षत आप ले लीजिए हाथ में, थाली में अक्षत है। हाँ, एक जन ले लेंगे तो भी रहेगा, अक्षत ले लें। यज्ञ कुंड में अग्नि देवता की विदाई और देव मंच पर देवताओं की विदाई। देवताओं को हमने बुलाया था, अब हम उनको विदाई देते हैं। सभी जन हाथ जोड़ेंगे। हाँ, आप थोड़े से चावल यज्ञ कुंड में गिराएंगे, थोड़े थोड़े अक्षत। बैठे बैठे करें, कोई बात नहीं। ॐ गच्छत्वं भगवन् अग्नि स्वस्थाने कुण्डमध्यत उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्ध मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासना।
यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम् इष्टकाम समर्थर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आप सभी को बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा आयोजन किया। गायत्री परिवार की गतिविधियों से आप जुड़े रहिए। ऑनलाइन आप देखें, एक ऐप आपको मिलेगा शांति कुंज वीडियो के नाम से, एक ऐप है एंड्रॉयड का, ऐप को आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, सारे आपको अच्छे लेक्चर मिलेंगे और गतिविधियां मिलेंगी। गुरुदेव ने जो भी बात की बड़ी निरपेक्ष के विशुद्ध रूप से ज्ञान हमको दिया है, तो वो आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। AWGP लिटरेचर नाम से एक ऐप है, उस पर गुरुदेव का सारा साहित्य मिलेगा, सारी पुस्तकें अलग अलग विषयों पर आपको मिलेगी, आप जरूर पढ़िए। गायत्री परिवार की गतिविधियों से आप जुड़े रहिए। अपने अपने घर भी आप यज्ञ कराएं, अपने मोहल्ले में कोई ऐसा आयोजन कर सकते हैं, ये हालांकि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप छोटा आयोजन कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे मिलते रहें। जो भी यहाँ के भाई हैं, परिजन हैं, आपने देखा है बहनें हमारी यज्ञ बोल कर रही हैं, मंत्र बोल रही हैं, आप सभी बहनें भी सीख सकती हैं, आप सबको यज्ञ सीखना चाहिए। तो कम से कम सप्ताह में एक बार आप अपने घर में यज्ञ करोगे तो आपके घर में बड़ा परिवर्तन आएगा, बड़ी आपके घर में सब अच्छी चीज़ें हो जाएगी। तो सीखना चाहिए आपको, है ना। YouTube पर आपको मिल जाएगा, YouTube पर गायत्री यज्ञ शांति कुंज करके लिखोगे तो उसमें यज्ञ की विधि आपको मिल जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हमने आपको बहुत सी बातें कही, कुछ गलत बात कह दी, आपको बुरा लग गया, आपके छोटे भाई हैं, हमको ज़्यादा कुछ कहते नहीं आता, जो अच्छा लगा भगवान की बात है जीवन में आप धारण करना, आपका कल्याण होगा। अरे साहब आप देर से जागे आप साहब, चलिए बोलिए यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार, परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार, वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार, भारत माता की बोलो जय 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 जयकार, भारतीय संस्कृति की बोलो जय जय जयकार। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे, हम करेंगे, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान, मानव मात्र एक समान, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो, हमारा युग निर्माण सत्संकल पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, 21वीं सदी का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार, सावधान युग बदल रहा है। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। कोई भाई बहन को किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, थोड़ी देर यहीं पर हैं हम।